बताओ में आवाज आवाज बार जेट में। आवाज, 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 आवाज क्लियर ठीक है तो ये कोई पूछ रहा है कि डाउनलोड ही नहीं हो रही तो उसको बता दो कि लाइव चल रही है तो लाइव कैसे चलती है उसको बता दो ठीक है तो पहली बात तो सब रेडी हो जाइए तैयार हो जाइए बहुत आ, बड़ी क्लास तो क्या बोलूँगा बट बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ठीक है कि क्वेश्चन जो लाए हैं हम बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं तो तैयार हो जाइए एक बार जल्दी से बोल दीजिए कि हम सब तैयार हैं यस रेडी तो फिर शुरू करते हैं ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लेंगे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे यस यस रेडी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो शुरू करते हैं ठीक है आज हम देख साठ क्वेश्चन करेंगे साठ क्वेश्चन में मेन टॉपिक क्या रहेगा कि उसको उनके आंसर्स किस प्रकार से लिखने अब ऐसा रि नहीं है कि प्री बोर्ड में तुम्हारे एम सी क्यू आएंगे उससे अपने को मतलब नहीं है बट मतलब है मैंने बोर्ड से भी और प्री बोर्ड से मतलब जो कल तुम्हारा पेपर हुआ शायद कल ही है तो जो पेपर होने वाला है कल तो बहुत वैल्यूबल होने वाला है अपने पास बहुत अगर आज का सेशन अगर तुम पूरा देखते हो और आज का सेशन बहुत प्यार से पूरा सेशन अगर तैयार कर याद करते हो तो इतना कन्फर्म बोलूँगा मैं कि तुम बहुत कुछ यहाँ से आज सीख के जाने वाले हो अगर तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत कुछ सीखने यहाँ पर सीख कर जाने वाले हो तो बहुत अति आनंद के साथ शुरू करते हैं ठीक है तो अगर ठीक है शुरू करते हैं आज ठीक है सबसे पहले लड़ाई करते हैं लड़ाई करते हैं काम करते हैं तो बी काम बी रिलैक्स और शुरू करते हैं ठीक है आज का थॉट क्या है देखो किसी भी लेक्चर को शुरू करते हैं तो उसको शुरू करते हैं एक थॉट के साथ तो आज का थॉट क्या है स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स For a second and start appreciating all the blessings in your life that you take for granted. मतलब सब कुछ जो है उसको बंद करो जो भी तुम सोच रहे हो इधर उधर की बातें ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है एवरी सब को छोड़ो ठीक है और एक और बात इसको अगर तुम पास नेट कनेक्शन अच्छा है तो इसको देखो 240 के ऊपर देखना तो ज़्यादा बेटर अपने को दिखेगा है। तो सोचना बंद करो बाहर की बातें जो तुम्हें अंदर से जो बातें अच्छी लगती है कि जो बाहर की चीज़ें हैं कि कितना कौन अप्रिशिएट कर रहा है मैं अपने घर वालों का अपने साथ प्रेम है तो बस वो चीज़ें हमें ध्यान में रखेंगे और तो आनंद ही आनंद है तो और अपने को आनंद ही आनंद और अब क्या करेंगे मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगा जब क्वेश्चन दिखाऊंगा ठीक है जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो बस इतना याद रखना है खुद से आंसर देने की कोशिश करना ठीक है इतना तो नहीं हो पाया कि तुम बड़े क्वेश्चन होंगे गए तो तुम सब क्वेश्चंस का रिप्लाई दे पाओ ठीक है बट इतना टाइगर खुद के अंदर सोच लेना कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है इसका आंसर ये ये होने वाला है इसका आंसर ये हो सकता है अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है तो खुद से सोच लेना एम सी क्यों जहाँ आएंगे आप तो आंसर दो ही दोगे ठीक है इस बात का शुरू करते, करते हैं छह मिनट हमने वेस्ट कर दिए शुरू है, करते हैं पहले प्रश्न के साथ अगर तुम्हारे पास पहला प्रश्न आएगी रेड्यूसिंग एजेंट के लिए कि बहुत बार इसका क्वेश्चन ज्यादातर एक नंबर में पूछा जाता है वन मार्क में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द रेड्यूसिंग मतलब रेड्यूसिंग एजेंट का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें रेड्यूसिंग एजेंट कौन है और कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है क्यों तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो किसमें से रिएक्टिव क्यों है क्योंकि रिएक्शन तुम्हें दिख रही है थ्री एम एन टू प्लस फोर एलुमिनियम के साथ थ्री एम एन प्लस ट्वेल्व टू ओ थ्री बना रही है तो अगर मैं यहाँ तुमसे पूछूं किन में से इसमें रिएक्टिव कौन है तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से एक बार आंसर देंगे मतलब आंसर देना तो सोच समझ के तो जल्दी से उत्तर देंगे अपना जल्दी से एल एल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इतना टाइम नहीं लगाएंगे अगर इतना टाइम लगाने लग गए तो फिर मतलब पेपर छूट जाएगा अपना ठीक है एल बहुत बढ़िया एल क्यू यहाँ पर एल की बात करूँ तो ऐसा क्यू बोला क्योंकि यहाँ पर देखो यार एम को देखो एम को देखो एम एन ओ के साथ जुड़ा हुआ था प्रेम अपने पास उसको प्यार दिख रहा था एल एम के साथ ए सॉरी ओ ऑक्सीजन था बट एल्यूमिनियम आया और उसने मैग्नी और एम का और जो एम और जो ऑक्सीजन था उनका रिश्ता तोड़ दिया तो दोनों का रिश्ता तोड़ दिया एल्यूमिनियम बीच में आ गया तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एम से इसलिए तो उसके पास गया ज्यादा इंप्रेसिव है तो अगर उत्तर देखो तो तुम्हें कैसे लिखना है उत्तर ठीक है उत्तर में साथ में लेके आए आज में उत्तर इसलिए साथ में लेके आया हूं मैं ताकि आप हाथों हाथ उसको मतलब कैसे लिखना है उस चीज को सुनकर एल इज एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट एल इज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन एम क्योंकि ऐसा क्यों क्या क्योंकि एल्यूमिनियम ने एम को ऑक्साइड से अलग कर दिया उनकी जुदाई कर दी और बीच में वो आ गया जब अगर बीच में ऐसा आ गया ठीक है बीच में अगर आ गया तो अपने को समझ में आ जाएगी ये बात क्लियर है क्लियर है सबको आगे चलते हैं ठीक है अगला प्रश्न है आपके पास एक नंबर का ए भी क्वेश्चन ठीक है हम इस बात का भी ध्यान रखें कि एक नंबर वाले क्वेश्चन में कितना लिखना है बहुत बार क्या होता है बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बट वो एक नंबर का ही होता है बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन पूछेगा छोटा सा एक लाइन में पूछ लेगा बस वो क्वेश्चन पाँच नंबर का होगा तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है जब हम बोर्ड वाले अब बोर्ड वाला क्या चाहेगा बोर्ड वाला जो आपके पास जो टीचर है वो चाहेगा कि अगर कॉपी चेक कर रहा है ऐसा तो नहीं कि आप स्कूल वाले चेक करेंगे जो चेक कर रहा है वो चाहेगा कि यार ऐसा करते हैं मैं कर रहा हूँ तो अगर उसको पैसे मिलते हैं अगर उसके पास जितनी जल्दी कॉपी आएंगी जितना जल्दी खत्म कर देगा दोस्तों उतना ज़्यादा उसको मजा आएगा ठीक है समझ रहे हो उतना ज़्यादा मजा आएगा तो उतना प्यार से लेंगे ना एक्यूरेट लेंगे तो अपने पास ज़्यादा बेटर तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास है जल्दी से उसका उत्तर दो तो अब मजा आ जाए हाइड्रोजन बींग अ हाई इनफ्ले इन्फ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बींग अ सपोर्टर ऑफ कम्बिशन येट वाटर विच अ कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज टू एस्टिंग क्यूसन मतलब इन्होंने बोला है क्वेश्चन को समझो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हाइड्रोजन मतलब हाईली इन्फ्लेमल गैस है और ऑक्सीजन है Commission को सपोर्ट करता है मतलब दोनों अगर जलने वाली बात कर रहे हैं ना को हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, को मिलकर है, है फिर उसके बाद अगर बात एक्सट्रीसर में क्यों यूज होता है ऑक्सीजन बताओ जल्दी बताओ क्योंकि अगर मैं बात करूंगा मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को द बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड पानी आर डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी जब इट्स कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लफड़ा करते हैं तो बहुत बढ़िया यस बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया तो वो कुछ अलग चीज़ हो जाएगी कुछ अलग चीज़ हो जाएगी क्योंकि हम देखो एक चीज़ वहाँ पे अपने पास एक चीज़ नई चीज़ बन गई दो चीज़ों को मिलाकर मैं एक नई चीज़ बना रहा हूँ तो वो चीज़ अपने को अफेक्ट करेगी वो चीज़ अपने को अफेक्ट करेगी समझ रहे हो बात को समझ रहे हो बात हो और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही ऊपर से प्यारा प्रश्न भी है प्यारा क्यों बोलूंगा कि बहुत बार पूछा गया है देखो इतनी बार बोला गया है कि ये चैप्टर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं व्हाट हैपन अगर तुम्हें अब यह क्वेश्चन करना है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या लफड़ा होने वाला है तो सीधा रट के याद रखो इसका ठीक है रट के याद रखो इसका कि क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू तो फॉर्म स्लेक्ड लाइम एंड प्रोड्यूस ल... हीट एंड हीजिंग साउंड ठीक है अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यार क्विक लाइम ये क्या लफड़ा गया वाटर में पता है इस ठीक है अब अपने पास और चीज़ें क्या है तो ये चीज़ें जो नीचे रिएक्शन दिखाई दे रही है अगर आप ऊपर के वाली लाइन नहीं लिखते हो जो नीचे वाली रिएक्शन दिखाई दे रही है क्विक लाइम क्विक लाइम बोलते हैं उनके पास कैल्शियम ऑक्साइड को ठीक है क्विक लाइम को अगर मैं पानी के साथ इन्होंने ये बोला ना कि वॉट हैपन केमिकली वेन लाइम इज एडेड टू वाटर ठीक है ये बोला कि क्विक लाइम है उसको मैंने वाटर के साथ मतलब सोडियम ऑक्साइड को मैं पानी के साथ अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या बनता है ठीक है तो सी ए सी एच हो एच सी एच का होल्ड मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला हीट और हीजिंग साउंड हमें पता हो कि जब इनकी मिलेंगी तो तुम इसको देखो यार हीट और हीजिंग साउंड का मतलब है ठीक है तो इस बात को याद रखना कि केल से पहले बात तो याद रखना कि क्विक लाइम किसको बोलते हैं केल से मुक्साइड को पानी के साथ करेंगे स्लेग लाइम बनेगा जो हमारे पास केल से हाइड्रोक्साइड होगा सीओएच का होल ट्वाइस ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए आगे चले।, आगे चले आगे चलते हैं चलो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यार इसको तो यूं ही बता दोगे तुम इसको तो बहुत यूं ही बता दोगे जल्दी बताओ इसको तो तुम यूं ही बता दोगे जल्दी बताओ टोमेटो का बताओ अरे इसको बता दोगे तुम यूं ही बता दोगे यूं ही बता दोगे बहुत बार कराया हुआ है और पूछा भी जाता है इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से जल्दी बहुत बढ़िया ऑक्सीजनिक हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा टार्ट्रिक ये इंपॉर्टेंट है इसके इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण तो है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वा, अरे वाह गजब अति आनंदमय 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 अरे वाह अरे आनंद आ गया आनंद आ गया आनंद आ गया अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे चले इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट है ठीक है योग्यता ऐसा करो टू पॉइंट वाले ग्रुप में इसकी लिंक शेयर कर दो किसी को अगर देखना हो तो आ जाएगा ऐसे ही ठीक है चलो ये क्वेश्चन पाँच नंबर अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे थे एक नंबर का अभी तक क्वेश्चन देख रहे थे हम तीन नंबर का अभी तक क्वेश्चन देख रहे थे, देख रहे थे दो नंबर का ये जो क्वेश्चन आया पाँच नंबर का पाँच नंबर का तो इस क्वेश्चन को एक बार देखो प्रेम से पढ़ो ठीक है और इसको करेंगे हम ठीक है पहला क्वेश्चन है कि जो टेप वाटर होता है अपने पास जो टेप वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पर डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कर पाता डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कर पाता चलो पहले दूसरा क्वेश्चन है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड वेर इज डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एस एल और आंसर तुम्हें बताना है। अरे वाह देवांग का बहुत ही प्यारा प्रश्न है ए, प्यारा उत्तर है डिस्टल वाटर आय नॉट फॉर्म वे वाह ड्यूरिंग समर रीजन एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आंसर तो देखेंगे ऐसे हम आंसर तो हम देखेंगे ऐसे एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्क मैन यूजअली एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क ऐसा क्यों होता है फॉर अ डायलूशन ऑफ एसिड एसिड इज एडेड इन टू वॉटर एंड वाटर इन टू एसिड अच्छा ऐसा भी क्यों होता है ये क्वेश्चन बताने कि रीजन बताने एक एक एक-एक से देख लेते हैं इनका रीजन इसलिए बता रहा हूं नहीं तो देखते हैं अब देखो यार इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं आयंस वाली बात हमें करना बहुत जरूरी है हम इलेक्ट्रिसिटी की बात जब भी करते हैं आयंस वाली बात जरूर करते हैं तो ये बात मेरे को क्लियर होनी चाहिए दूसरा के, दूसरा पूछा था हमने कि ड्राईसियल डज नॉट फॉर्म आइन देखो हमने देखा था एसिड 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 हमने देखा था जो अपने पास अनिल नीले से लाल में कन्वर्ट होता है नीले से लाल भी होता है तो एस एसिड है बट एच सी एल गैस बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद वाटर अमोनिया फॉर्म अमोनिया हाइड्रोक्साइड बिल्कुल बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है बेकिंग सोडा डज नॉट अलाउ नॉट अलाउ मिल्क टू चेंज द लेक्टिक एसिड विच मेक्स मक्स यहाँ पर देखो कि समर रीजन के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है ठीक है तो मिल्क मैन यूजअली एड्स अ वेरी स्मॉल बेकिंग सोडा को क्यों करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा मिल्क को लेक्टिक एसिड में चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर लेक्टिक एसिड में चेंज हुआ तो लपड़ा हो जाएगा मेरे बाबा ठीक है लपड़ा हो जाएगा एडिंग वाटर द एसिड इज हाईली एक्सो देयर फॉर वाटर इज एडेड एसिड इन वेरी स्लोली cooling कुल ये बात तो क्लियर होनी चाहिए यार तुम्हें कि अगर मैं एसिड को अगर हाईली exothermic वाली आ, मैं डाल दूँगा ठीक है अगर वास तो मतलब एसिड को पानी के साथ जब भी मतलब तो देख सकते हो तुम तो बहुत सारा लफड़ा होता है मतलब बहुत सारे आ, मतलब आ, केस वगैरह सुनते हैं हम इस चीज़ को इसलिए वेरी स, धीरे 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 उसको जैसे हम देखते हैं नाग क्या बोलते हैं उसको विस्कन्या उसको बचपन से ही धीरे 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 झर दिया जाता है ठीक है उसको पता भी नहीं होता फिर वो विस्कन्या ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो उसी प्रकार उसी प्रकार आ, मतलब वाटर एसिड वाटर में भी एसिड धीरे 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 कुल cool, ऐसे करता था अमोनिया डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स एच देर फॉल इट इज बेसिक इन नेचर ठीक है क्या बोला अमोनिया बेसिक इज अ बेस बट डज नॉट कंटेन ए हाइड्रोक्ल ग्रुप ठीक है अमोनिया डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म्स एच देर फॉर बेसिक का क्या है देखो बेसिक और एसिड में, में दो ही चीज़ें याद रखी एच प्लस ओ एच माइनस दो ही चीज़ें याद रखनी है उसमें अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड एच सी एल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल अरे यार इसको इसको क्या दिक्कत है अच्छे से पढ़ाओ सर ओके सॉरी हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड रियक्ट विद सोचो एक बार अंदर से सोचो क्या कहना चाहते हैं बहुत बढ़िया देवांग बिल्कुल सही आंसर है आपका बिल्कुल प्यारा आंसर है ठीक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आ, बहुत बढ़िया परबल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप बिल्कुल सही रिविजन है आपका हाउ टेस्ट फॉर द गेस विच इज लिबरेटेड वेन यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एक्टिव मेटल कोई सा भी हम एक्टिव मेटल ले लेते ले हैं उसका हम हाइड्रो एस के साथ हमें रिएक्ट क्या क्या तो ब्रिंग्स अ बर्निंग मैजिस्टिक नियर द गैस इट बर्न द पॉप साउंड सॉइंग दैट इट इज हाइड्रोजन प्रॉपर्टी होती है जब तुमने पढ़ा होगा चैप्टर तब तो तुमने प्रॉपर्टी देखी होगी ठीक है प्रॉपर्टी देखी होगी तुम कैंडल लाए मैजिस्टिक लाए मतलब अगर थोड़ा सा फायर वगैरह लाएंगे गैस के साथ, पास में तो बर्न होगी और पॉप ऑप साउंड पॉप पॉप साउंड निकालेंगे जैसे होते हैं ना अपने पास पॉपकॉर्नस उस टाइप में पॉप पॉप साउंड निकलेगी पॉप साउंड निकलेगी और हमें इसी वजह से वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है तो उससे पता चल जाएगा ये अपने पास हाइड्रोजन चाचा जी है हाइड्रोजन चाचा जी है चलो प्रश्न नंबर सात में हम पहुंच जाते हैं ठीक है आपको उत्तर भी मैं साथ साथ दे देता हूँ जरूरी जरूरी है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोस हालांकि क्वेश्चन कितना ईजी है प्रश्न कितना ईजी है ये बट अगर तुम्हें यह पता नहीं होगा कि वहाँ पे लिखा था सी सिक्स सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू एज इंसल प्रजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी सिक्स एस ट्व ओ सिक्स प्लस सिक्स एस टू ओ प्लस सिक्स ओ टू तो तुम्हें पता नहीं होगा बट इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज कि याद रखना अभी भी अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ाया तो इसको देखो ठीक से देख लो कि छः कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस बारह पानी के मोलिक्यूल्स हैं उसके सनलाइट की एनर्जी में ग्लूकोज बनता है अपने पास छः वाटर मोलिक्यूल बनते हैं और छः ऑक्सीजन के बनते हैं तो ये बात हमें याद रखना है ये बात हमें याद रखना है सिक्स जीरो टू फिर उसके बाद वेन यू वैन डू द डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मतलब डेजर्ट प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं पढ़ते हैं भाई साहब क्योंकि गर्मी में अगर करें ऐसा करेंगे वो दिन में करेंगे दिन में कितनी धूप होती है तो पूरा पानी अपना गवा देंगे तो देखते हैं क्या बोलते हैं डेजर्ट प्लांट्स ओपन अप दियर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट एंड टेक इन सीओ टू ठीक है सीओ टू लेते हैं अच्छा स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम टू परवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसप्यूरेशन दे स्टोर श्योर टू इन देयर सेल अंटिल द सन कम्स आउट एंड दे कैन कैरी ऑन देयर फोटो मतलब क्या समझे इन्होंने रात रात में गैस ले ली ठीक है दिन में क्योंकि अगर इन्होंने स्टोमेटा खोलना चालू कर दिया दिन में अगर स्टोमेटा खोले स्टोमेटा का काम है एक्सचेंज ऑफ स्टोमेटा का काम भी यहाँ पे पता चलेगा इसके साथ एक और टॉपिक अपना क्लियर हो रहा है कि स्टोमेटा का काम क्या है स्टोमेटा का काम क्या है स्टोमेटा का यह काम है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेजें पता है मेन काम है न, gases, net, तो यह ना एक्सचेंज ऑफ आर गैसेजीट ऑन द लीप आर नॉन एज स्टोमेटा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो यहां पर एक बात क्लियर होगी अगर मैं दिन में ऐसा काम करता हूँ तो भाई स्टोमेटा जैसे मैं खोलूंगा पानी जितना भी है मेरे पास पानी प्लांट के पास जितना भी पानी हो सब सूरज ले लेगा ले तो दिन में तो भाई ऐसा नहीं कर सकता रात में उसने पूरी सीओ टू ले ली ठीक है और वो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन ये अलग लफड़ा है अपना वो अलग लफड़ा है उसको छोड़ो ठीक है तो उसने दिन में तो पूरी दिन में दिन में कुछ नहीं करा रात में ले रही गैस और अब दिन अब स्टोमेटा तो बंद रखेंगे वो अब 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 क्या अब उसको काम किससे अब उनको काम है बस लाइट से तो अब गैस को वो अंदर उनके पास गैस है सिलेंडर भर लिया गैस है बस लाइट आ रही है खाना बना रहे हैं तो ये पूरा समर मतलब डेजर्ट वाले प्लांट्स का पूरा लफड़ा होता है इसलिए कितने गरीब होते हैं बेचारे तो ये भी क्लियर होना हम बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे हम बढ़ते हैं अपने आठवे पर नंबर आठ पे हम पहुंच चुके हैं आप स्टेट द रोल ऑफ रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम डाउट क्लास कर रहे थे तब विलाई के बारे में किसी ने पूछा था देखो विलाई के बारे में पूछा था और देखो विलाई यहां पर आ चुका है ठीक है देखो इस तीन नंबर का क्वेश्चन है तो कितना कितना लिखना है वो इंपॉर्टेंट है देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे, अगर मैं लिखता हूं तो देखो बहुत सारे हैं वैसे तो बहुत सारे हैं बट एक नंबर क्योंकि तीन नंबर का क्वेश्चन है एक एक पॉइंट तीन तीन दिए हैं तो मतलब सब में एक एक नंबर का सब हो गया तो कितना लिखा देखो बोर्ड में मेन बात होती है कि आपको लिखना कितना होता है बोर्ड में इतना सा होता है कि आपको लिखना कितना होता है समझ रहे हो तो डाइजेस्टिव एंजाइम की अगर मैं बात करता हूँ कर लेते हैं बात डाइजेस्टिव एंजाइम फूड फूड्स नीड्स टू ब्रोकन इन स्मॉल एंड सिंपलर मोलिक्यूल्स सो दैट कैन बी एब्जोर्व इन टू ब्लड स्ट्रीम हावेर द फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नॉट इन एंजाइम्स आर हैंस नीडेड फॉर द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्पीडिंग अप फॉर अप द डाइजेस्टिव प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैंस बी स्मॉल इनफ टू बी absorbed मतलब समझो अपने अंतर्मन से सोचो कि आप चबा रहे हो ठीक है आपने खाना लिया चबाया आप डाइट निकल जाते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर आप डाइट चबा रहे हो उनको चबा दो इतना स्मॉल कर दिया बट वो इतना स्मॉल नहीं हो पाता इतना ईजी वे में इतना स्मॉल नहीं हो पाता कि आप वो जो चीज़ है वो जो है अपनी बॉडी ईजी वे में टेकअप कर पाए तो जो उसको और ज़्यादा अपने को बारीक करना उसको और ज़्यादा अपने को बारीक करता है तो वो क्या करेंगे अपने पास एंजाइम्स जो है वो एंजाइम क्या करेंगे उसको और ज़्यादा बारीक करेंगे और जो डाइजेस्टिव ऐसा है ना आज आप आप आज खा रहे हैं और फ्रेश होने दो दिन बाद जाए ऐसा तो नहीं होना चाहते ना क्योंकि तो एंजाइम उस चीज़ का नहीं तो डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्पीड स्पीडअप कर देंगे अप कर देंगे कि आज का खाया तो सुबह ही निकाले ठीक है समझ रहे हो बात को मतलब मजाक में समझो पर मतलब तो यही है तो उसको इतना ज़्यादा स्मूल कर लेंगे ताकि एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उतरें नेक्स्ट पे चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस का क्या है देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स विद माइट हैव एंटर्ड इनटू द सिस्टम थ्रू फूड इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर अ पेप्सिन टू एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक डाउन किसी ने एस के बारे में पूछा था जब अपनी डाउट क्लास चल रही थी कि एस और विलाई दोनों के बारे में पूछा तो एस के बारे में भी फिर से बात करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओ क्या अब एसिड है तो जितने भी जर्म्स अब यार देखो हम खा रहे हैं ये तो नहीं पता ना कितने जर्म्स खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं अपनी आँखें ऐसी तो नहीं अपनी आँखें माइक्रोस्कोप तो नहीं है कि देख देख के फिर हर को सर्च करके ये सारी खा रहे हैं तो हम खा रहे हैं कभी कभी, कभी नौ दे के हम तो बिना हाथ धोए बिना थाली खाए कभी भी कैसे भी खा लेते हैं तो मतलब कितने जर्म्स खाते हैं वी डोंट नो तो एस सी एल या फिर अपनी इम्यूनिटी है तो एस सी एल भी वहाँ पर जब डाइजेस्ट हो उस टाइम एस सी एल भी अपने को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है एस सी एल भी मैं बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है जो जर्म्स जो, जो भी आएंगे उनको ख़त्म करने का काम करेगा और पेप्सिनो पेप्सिनजन की जब मैंने बात की तो उसको पेप्सिनजन पेप्सिन में कन्वर्ट करना ये सब बातें हमने बात की थी कि पेप्सिन इतना याद रखो कि पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है ठीक है एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है ताकि जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो सके अमाइनो एसिड्स में ठीक है इतना नहीं लिखना है जब ये दो नंबर का तीन नंबर का क्वेश्चन है तो हाइड्रोक्लोरिक के बारे में इतना लिख होता है कि प्रोटीन को माइनो पेप्सोजन ट्रिप्सोलोजन वगैरह वगैरह लिखते हैं बट एक नंबर का क्वेश्चन तो लिखने के कि जम्स इतना लिखोगे तो भी एक नंबर ही मिल जाएगा तुम्हें बट थोड़ा सा और लिख देखो तो टीचर खुश एक नंबर ज्यादा ही मिल जाए कहीं ना कहीं आगे विलाई की बात करते हैं विलाई की पहली बात है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे और ये क्या करेंगे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करेंगे ताकि मतलब जितना आ रहा है अब देखो सपोज कोई एक बहुत सारी गेंदे मैंने गिरा दी गेंदे घुड़ती जा रही घुड़ती जा रही घुड़ती जा रही अगर मैं उन गेंदों को नहीं पकड़ूंगा अगर बॉल्स को नहीं पकड़ूंगा मेरे पास दो ही हाथ है तो बहुत सारी बॉल आएगी थी मैं पकड़ सकता हूँ क्या नहीं पकड़ सकता बट इतने सारे बॉल आएगी हम सौ जने खड़े हो गए आ जाओ

मजा आएगा विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड देखो तीस क्वेश्चन जब हो जाएंगे तब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम ठीक है तो ब्रेक ले लेके चलेंगे ताकि हम आप भी रिलैक्स रहे और मेरा गला भी जो है रिलैक्स रहे ऐसा नहीं हो कि कल मैं कल जो नाइन्थ वालों तो क्लास लो पढ़ाई नहीं पाऊँ ठीक है तो रिलैक्स ले लेकर मजे लेंगे ठीक है विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स तो एब्सॉर्ब डाइजेस्ट फूड इन द ब्लड स्ट्रीम ठीक है मतलब विलाई ने इतना सारा काम कर दिया बहुत प्यारा प्यारा काम ठीक है तो एंजाइम की बात करेंगे एंजाइम देखो जल्दी से मन में पढ़ लो एंजाइम की अगर कर बात देखो एक क्वेश्चन के साथ कितने टॉपिक क्लियर होते हैं मेन मेन टॉपिक एंजाइम की बात करेंगे तो सीधा सा निकलेंगे कि वो स्पीडिंग कर स्पीडिंग अप कर देंगे क्योंकि हम जो फिजिकल करते हैं मतलब मुंह से दांतों से चबाते हो इतना ईजी वे में नहीं मतलब इतना इनफ नहीं होता हाइड्रोक्लोरिक की बात करेंगे तो किल द जम्स

Two, and, uh, pepsin, वगेरा, वगेरा, देख लिया भी the the protein, pancreas, जो चलो, इतना भी नहीं लिखेंगे अगर दो पॉइंट लिखेंगे पास काम बन चलेगा। दूसरा प्रश्न क्या है वॉट इज एम्सिफिकेशन ऑफ फेट चलो फैट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं फैट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उनको उनको इमल्सिफाई करना उनको बारीक बारीक तोड़ना उनको क्या बोलेंगे एमल्सिफिकेशन कहेंगे क्या बोला एमल्सिफिकेशन द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल फैट्स इंटू स्मॉलर फैट्स ड्रॉपलेट्स मतलब बहुत देखो जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा ये बात क्लियर है आपको जितना बारीक तो क्या जो लार्ज ग्रेन्यूल्स थे लार्ज ग्रेन्यूल्स थे उस बात को देखो लास्ट छोटे कि ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और ये अगर तुम्हारे पास प्रश्न है चलो सब लोग आंसर देगा सब लोग जितने भी चेट में है अठारह बीस दिन सब लोग आंसर देना इस बात का आंसर देना जो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि अगर ये जो फेट है इमल्सिफाई नहीं हो पाए तो कौन सा कौन सी बीमारी होगी कौन सी बीमारी होगी मगर मत, मतलब अगर फैट इमल्सिफाई नहीं हो पाए मतलब फैट छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में टूट नहीं पाता तो कौन सी बीमारी होती है चलो हिंट देता हूँ तुम्हें हिंट देता हूँ लीवर हिंट हो गया अपने पास लीवर से कुछ गोल ब्लडर हिंट हो गया फिर वहाँ से बिली रूबिन बिली वर्डिन कुछ हिंट हो गया ठीक है कुछ गोल ब्लडर कुछ हिंट हो गया तो जल्दी से बता देंगे मुझे हिंट मैंने बताया जब मैं पढ़ाया चैप्टर बताया कि अगर फैट इमल्सिफाई नहीं होगा तो हमें कौन सी बीमारी होगी फिर हमें डॉक्टर बोलते भी हैं कि भैया जी आप है ना घी खाना कम कर दीजिए आप तेल खाना क्योंकि घी में क्या फैट है तेल में फैट है भैया जी आप घी खाना तेल खाना कम कर दीजिए तेल खाना कम कर दीजिए और आप ग्लूकोज की ड्रिप्स वगैरह लगवाइए तो बताइए जनाब कौन सी तो सीधा सा अपना उत्तर होने वाला है जोडिस में अपने वो क्या है? तो उत्तर लिखना पास क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछ लेंगे थी, लिख देंगे, फिर लिख देंगे अगर फैट का इमेसिफिकेशन नहीं होगा तो कौन सी बीमारी होगी दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा लिख देंगे अगर विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाम जूस अरे क्या यार अभी तो ट्रिप्सिन की बात करेंगे ना ट्रिप्सिन इज द इन जाएं जाएं एंड विच एक्ट्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इसमें कोई दिक्कत जो इंडिस पी लिया, बहुत बढ़िया इसमें कोई दिक्कत परेशानी अपने को नहीं होनी चाहिए हम पहुंच चुके हैं अपने दसवें प्रश्न पर वाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया डू नॉट क्लैप्स इज लेस एयर इन इट अगर मतलब हमारा ट्रेकिया क्यों नहीं होता तब तो इसमें वेन देर इज लेस एयर इन छोटा रहता है छोटी मतलब वैसे अगर मैं ट्रेकिया का तुम्हें सी रिंग वाला अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि क्यों होता है ठीक है तो ज़्यादा बेटर रहेगा बट वो वीडियो वो फोटो में नहीं ला पाया माफ कीजिएगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रजेंट ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में सी साइब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है सी साइप सी साइड में ठीक है मतलब पूरी कनेक्टेड नहीं होती रहती है तो वो पकड़े रहती है मतलब सोचो तुम्हारे पास एक पाइप है ठीक है और उस पाइप के चारों बाहर आपने एक बेल्डिंग कर दी ताकि वो सिकड़ ना अब उसमें कितना पानी हवा कम ज्यादा करो कम ज़्यादा करो कम ज्यादा करो, करो तो वो जो वो चीज़ है क्या चीज़ है वो जो नली का है या फिर जो भी है वो सिकड़ी की नहीं वो सिकड़ी की नहीं तो यहां पे भी यहां पे भी यही चीज है यहां पे भी यही चीज है रिंग्स ऑफ कार्टलेस ट्रेक एम प्रजेंट होती है सी सेफ होती है बात रखना सी सेफ होती है ठीक क्यों होती है हमें हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि बोर्ड में तो बहुत टाइम है ठीक है आगे चलते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह में पढ़िए एक बार तब तक पानी पीते हैं जी बताइए एटॉमिक साइज ऑफ मैग्नीस एम जी दो नंबर का प्रश्न है इज लेस देन देट ऑफ एन यार एम जी की जो एटॉमिक साइज कम है देखो अगर तुम इसमें सिंपल से लिख दो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हो भी लिख सकते हो बट अगर तुम्हें बढ़िया घमंड के साथ नंबर चाहिए अगर अरे ट्रू नहीं बताना है रीजन बताना है देवांग रीजन बताना है एटोमिक साइज ऑफ एम जी लेस देन वो तो इन्होंने बोला है कि ऐसा होता है इन्होंने खुद ही बोला है कि ऐसा होता है बट क्यों होता है ये पूछ रहे हैं ठीक है तो तुम अगर लिख दोगे कि साइज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो भी चल पड़ेगा बट अब तो तुम चाहिए मुझे घमंड वाला नंबर चाहिएगा अगर टीचर नहीं माना वो चाहिए सोच रहा है कि मैं घमंड वाली घमंडी हूं मैं अपने हिसाब से तो उत्तर क्या लिखेंगे भाई साहब उत्तर ये वाला लिखेंगे एमजी प्लस टू एल्यूमिनियम प्लस थ्री एन ए प्लस वन ठीक हो यह अपने पास जो अब धीरे 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 वो बढ़ता जाएगी वेलेंसी जो होगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा जिसके पास ठीक है उतना ज्यादा प्रोटोन अट्रैक्ट करेंगे ठीक है और उतना attract, उतना ज्यादा हाँ तो आपकी क्लास भी चल रही है योग्यता आपकी क्लास भी चल रही है मैंने रिकॉर्डेड करके अपलोड किए वो तो आपकी क्लास भी चल रही है आप अपनी क्लास में जा सकते हो आप अब वो ऑटोमेटिकली चालू हो गई होगी ठीक है इट इज बिकॉज ऑफ बहुत अच्छी क्लास है योग्यता आज आपकी देखिए उसको जाइए लेक्चर टू इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मैग्नेशियम मोर नंबर ऑफ प्रो ये बात सुनिए अपने को। दूसरा फ्लोरिन इज़ चलो एक और क्वेश्चन याद रखना तुम्हें एक नंबर से अगर क्वेश्चन ले जाए एक नंबर से अगर तुम्हें क्वेश्चन ले जाए कि तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं मैं सब लोग आंसर देना कि सबसे पीरोडिक टेबल की हम बात करें सबसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो कौन सी कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो है जल्दी बताइए जल्दी बताएंगे जल्दी मतलब जल्दी बताएंगे जल्दी मतलब जल्दी बताइए जल्दी, मतलब जल्दी, जल्दी मतलब जल्दी ही बताएंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे सुंदर अति सुंदर अति सुंदर रे वाह किसने क्या बताया मुझे तो ये नहीं पता सोचो क्या क्या सोच रहे हो तुम क्या क्लोरिन मौजूद बहुत बढ़िया क्लोरीन नहीं नहीं क्लोरीन नहीं क्लोरीन नहीं क्लोरीन नहीं क्लोरीन नहीं क्लोरीन नहीं क्लोरीन क्लोरीन नहीं यार सॉरी सॉरी गलत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते सबसे ज्यादा है फ्लोरीन फ्लोरीन एफ फ्लोरीन बात को याद रखना फ्लोरिन 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 याद रखो एक नंबर में तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगर एक नंबर से क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है ठीक है तो याद रखना इस बात को याद रखना फ्लोरिन इसलिए फ्लोरिन फ्लोरिन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फ्लोरिन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्लियर है एक बार सब बता दो कि अभी तक ग्यारह क्वेश्चन हमें क्लियर है तो मुझे आनंद ही आ जाएगा फ्लोरिन 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 ठीक है फ्लोरिन देवांग फ्लोरिन याद रखना बहुत प्यारा प्रश्न है एक नंबर में पूछा जाएगा चलो फ्लोरिन फॉर्म एफ एफ नेगेटिव मोर इजीली देन क्लोरिन ड्यू टू स्मॉलर एंड इज मोर स्टेबलिन िन इज मोर एक्टिव याद रखना वाला भी आप concept लगा सकते हो और ये वाला concept भी आप लगा सकते हो। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलो। दो नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा हाउ कैन ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड इफ इट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नोन मतलब किसी की किसी एलिमेंट की अगर कॉन्फिगरेशन I mean, पता है तो हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं वट विल द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑफ नंबर हमें याद रखना चाहिए चलो मैं इसको प्यारे तरीके से प्रेम से समझ जाता हूँ देखिए इफ द एलिमेंट हैज़ वन टू थ्री फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंसी वन अगर आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसी प्रकार के देखो ए, अगर उसके एलिमेंट की आ, वेलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो उसकी वैलेंसी एक होगी दो है तो दो होगी तीन है तो तीन होगी चार है तो चार होगी तो चार, हो चार तक कैसा है और जैसे पांच से शुरू होगा फिर उल्टा कर दो पांच होगी तो आठ माइनस पांच तीन ठीक है तो ऐसे है टू एट एट ऐसे ऐसे चलाना है ठीक है इस बात को याद रखना है इस बात को याद रखना है वन टू थ्री फोर वन का वन टू का टू थ्री का थ्री तो इसी पर अगर नाइन होगा तो नाइन को कैसे करना टू सेवन अगर सेवन का देखो सेवन का बताओ अगर मैं नाइन की बात करता हूँ तो व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर नाइन तो नाइन की वैलेंसी क्या होगी देखो एक दो तीन चार की एक दो तीन चार होती है पांच छः सात आठ की तीन दो एक जीरो होती है अगर मैं इसका कॉन्फ्रुग्रेशन करूंगा तो इसका कॉन्फ्रगेशन क्या होगा दो और सात तो मतलब सात इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सात सात का क्या है बताओ बताओ अरे एक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करके बहुत बढ़िया पर्बल गजब अति सुंदर एलिमेंट्स विद आइटम इलेक्ट्रॉन जाएगा टू और सेवन ठीक है कैसे इनको कैसे करते हैं चलो ये याद रखना कैसे करते हैं इनको प्रेम से याद रखना जिसको नहीं पता दो पहले दो बनेंगे फिर आठ बनेंगे ऐसे ऐसे भरते जाएंगे दो आठ अठारह ठीक है इनको भरते जाएंगे और जैसे भरते भरते जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने रहते हैं उससे अपने को मतलब रखना है ठीक है आगे चलते हैं प्रश्न नंबर हम पहुंच चुके हैं तेरा पर हाउ डज़ द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट चेंज अलोंग a पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड वाई इन्होंने पूछा है कि मेटेलिक करेक्टर जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट घटते हैं बढ़ते हैं और घटते बढ़ते भी हैं तो ऐसा क्यों होता है बताओ बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है मैंने मैंने पूछा है अगर मैं पीरियोडिक टेबल अगर ये पीरियोडिक टेबल है अगर इस पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट से राइट right जा रहा हूँ अगर मैं इस वाले पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट से अगर मैं राइट की तरफ दौड़ता हूँ तो बताइए जी बताइए मैं इधर से इधर दौड़ा तो बताइए अरे वाह वाह बता भी दिया बता भी दिया गजब अरे अति सुंदर यार मज़ा ठीक है लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा ठीक क्यों होगा मेटलिक करेक्टर गोज ऑन डिक्रीज अलॉन्ग दीरियड फ्रॉम याद रखना मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होता है मेलेटर डिक्रीज होता है एटोमिक साइज बढ़ेगी एटमिक साइज बढ़ेगी बट बट मेटर करेक्टर इंक्रीज होगा क्यों होगा डिक्रीज होगा सॉरी डिक्रीज होगा ठीक है तभी देखो ना पी ब्लॉक में तो मेटल ही नहीं है नॉन मेटल्स है वहां पर याद है ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटोमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग दियर फॉर ठीक है एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है सॉरी एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट डिक्रीज होती है उल्टा बोल दिया मैंने ठीक है डिक्रीज होती जाती है इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को लूज टेंडेंसी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज इसी वजह से मेटलिक करेक्टर भी डिक्रीज होता जाएगा क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं चौदह पर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन डिस्टिंग बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत प्यारा प्रश्न है ठीक है पहली बात देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमर्ट्स ये आठवीं का क्वेश्चन है अगर आठवीं वालों को ये पता है फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन बोलेंगे डिफाइन एड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमर्ट्स मेल एंड फीमेल गेमर्ट्स टू तो फॉर्म अ जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बाद एक और तीन नंबर का क्वेश्चन है तो दो पूछे हैं तो मतलब सीधी सी बात है ऊपर वाला दो नंबर का हो जाएगा और नीचे वाला तीन एक नंबर का हो जाएगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनको पहला अगर चौदह का फोर्टीन क्वेश्चन को देता हूँ तीन नंबर का क्वेश्चन तो ऊपर वाला दो है नीचे वाला एक नंबर तीन नंबर पूछ लेना कि वाटर फर्टिलाइजर एक हो गया फिर एक नंबर का हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस तीसरा हो गया दूसरा हो गया फिर अपने पास फर्टिलाइजेशन। चलो आगे चलते फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल विद अ फीमेल गेमेट टू फॉर्म अ ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ये तो याद है डिफरेंस देख एक्सटर्नल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट अकर्स आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल बोला तो आउटसाइड होना है इंटरनल बोला तो इनसाइड होना है ठीक है बहुत इंडिविजुअल डिस्चार्ज देर गेमर्स आउटसाइड अगर आउटसाइड हो रहा है देखो आउटसाइड हो रहा है तो उनको डिस्चार्ज करने पड़ेंगे ठीक है इंटरनल में क्या है मेल ओनली मेल डिस्चार्ज करता है ठीक है फीमेल स्टेशनरी रहता है ठीक है डेवलपमेंट अकर्स इन आउटसाइड द एक्सटर्नल है सब एक्सटर्नल तो मतलब सब बाहर इंटरनल तो सब अंदर एग्जाम्पल बोलिए आप मोर फ्रोक होता है फ्रॉग बाहर बहुत सारी इसकी मछलियाँ भी होती हैं फ्रोक क्या करता है पानी में रहते हैं पानी में जैसे फीमेल होती है पानी में ओम दे देती दे है और बहुत सारे स्प्रेड कर देती है और मेल होता है वो बहुत सारे स्पम्प्स हो जाते हैं मिलते रहते हैं ठीक है ह्यूमन बर्ड्स कैटल इंटरनल हो गया ठीक है नुकसान की अगर कर बात कर तो एक्सटर्नल में ज़्यादा नुकसान होता है ठीक है वेस्टेज बहुत होता है क्योंकि देखो पानी है इतना अब इतन, इनको ऐसा तो नहीं है ना कि एक एक स्पम्प इधर से या फ्रोक की तरफ से मेल फ्रोक की तरफ से एक ओम फीमेल फ्रॉक की तरफ से अगर ऐसी कंडीशन होगी मानिए बात को अगर ऐसी कंडीशन हो गई सपोज अगर ऐसी कंडीशन होगी तो अगर वो दोनों नष्ट हो गए तो दोनों में से एक भी नष्ट हो गया तो इससे बहुत सारे बहुत क्वांटिटी में होते हैं बट अगर इंटरनल की बात करूँ ह्यूमन्स की बात करूँ अगर मैं ह्यूमन्स की बात करूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ह्यूमंस की बात करूँ तो ओम मात्र एक होता है ठीक है ओम बस एक होता है तो मतलब इतना वेस्टेज हम नहीं कह सकते चलो अगला प्रश्न है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स ठीक है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींगस इज इन द फेलोपिन ट्यूब ऑफ रिप्रोडक्टिव ये तो वैसे तो इसका जो है जंक्शन होता है ठीक है वो मतलब इतना चलो रहने दो इतना नहीं जाना बस फेलोपिन ट्यूब इतना याद रखना एक नंबर का आपके पास द साइट ऑफ फर्टिलाइजन ह्यूमन बींग्स इज फिलोटिन ट्यूब तो हमें ऑप्शन दे देंगे ऑप्शन में पूछ लेंगे पूछ ले जाएंगे व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बिंक ऑप्शन दे देंगे दे यूटेरस वेजाइना फेलोपिन ट्यूब या फिर आ, ओवेरी चार क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फेलोपिन ट्यूब इज द बेस्ट आंसर और करेक्ट आंसर ठीक है चलते हैं पंद्रह क्वेश्चन पे उसके बाद लेंगे हम पूरा एक मिनट का ब्रेक चलो चार ब्रेक लेंगे पंद्रह तीस तीस मिनट पर तीस मिनट तीस क्वेश्चन होते हैं हम दो मिनट का ब्रेक लेंगे पंद्रह मिनट का ब्रेक उसके बाद तीस मिनट का ब्रेक ती सॉरी पंद्रह क्वेश्चन के बाद एक, एक मिनट का ब्रेक पानी वानी पियो थोड़ा रिलैक्स हो जहाँ जितना पड़ा है उसको फिर से देखो फिर 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 उठो सोलह से तीस तक करेंगे फिर दो मिनट का ब्रेक थोड़ा फिर रिलैक्स हो फिर सौ इकतीस से सात पैंतालीस तक देखो मैं भी बोल रहा हूँ गला बैठा गला समझ रहे हो तो तुम्हें भी उतना ही उत्साह रखना है मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करो लास्ट क्वेश्चन उसके बाद करते हैं हम थोड़ा सा रिलैक्स एक मिनट का कितने मिनट का? एक का। चलो इन ह्यूमन बॉडी द रोल ऑफ लुब्रिकेशन याद कर लिया करो, वगैरह आते हैं, ठीक है seminal vesicles का, का काम क्या है? तो तीन मतलब ऊपर वाला दो तो seminal के बारे में एक लाइन लिखनी है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में एक ही लाइन लिखनी है the seminal vesicles produce seminal plasma, which is च इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूड मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म स्पूद मतलब याद सीधा से लिख देना कि एक फ्लूड ठीक हो प्रेम से भी हिंदी में भी समझो किस समय में सेमिनल प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा से मतलब लिक्विड समझ लो ठीक है लिक्विड को एक रिलीज करते हैं सेमिनल स्मय, वेसिकल्स ठीक है जो ग्लैंड है लिक्विड को रिलीज करती है और जो स्पर्म होता है जिसकी टेल्स होती है ठीक है वो ताकि ईजी वे में स्मूथ कर सके ट्रेवल कर सकें प्रोस्टेड ग्लैंड का क्या करते हैं ये क्या होता है स्पम कीप्स स्प अलाइव एंड हेल्प टू स्विम विगल मतलब आसानी से वो आसानी से वो तैर सके ठीक है, है आसानी से अगर इनके और भी अगर फंक्शन पूछते हैं तो न्यूट्रिशन लिख सकते हो वो स्पम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं चलो रहने दो इतना नहीं सेमिनल वेसिकल का इतना सा है कि ट्रांसपोर्ट स्मूथ स्पम का ट्रांसपोर्ट स्मूथ करते हैं और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का स्विम बोलोगे लिस्ट टू फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय टेस्टीज इन ह्यूमन बींग्स अरे एक तो लिख देंगे

लिख दोगे तो भी आनंद आ जाएगा तो भी आनंद आ जाएगा अब लेते हैं एक मिनट का ब्रेक दो बजकर सैंतालीस मिनट में आ जाइएगा दो मिनट के सैंतालीस मिनट का दो बजकर सैंतालीस मिनट में आइए जल्दी से दो मिनट के सैंतालीस मिनट में ठीक है दो बज के सैतालीस मिनट में आएंगे आप दो बज के सैतालीस मिनट दो सैतालीस तो हो गई जल्दी से आ जाएगी मैं वेट कर रहा हूँ आपको पानी वानी पी के जल्दी चाहिए सब लोग पानी वानी पी पीवा के आ जाइए मैं रुका हूँ आपके लिए दो बज के टू फोटी एट को शुरू करते हैं फिर से और जो लोग यहाँ पे बताओ अभी तक कैसा चल रहा है चलो शुरू करते हैं दो अड़तालीस हो गए ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर पता नहीं कितने बज जाएंगे सोलह पर्सन पोचे सोलह पर्सन पे बहुत बढ़िया आ गए हो तो हाई हेलो कर देना ठीक है तेरह तेरह बारह दस बारह देख रहे हैं इतने देखेंगे अपने को कौन देखेगा ज्यादा ठीक है देखते हैं आगे चलते हैं द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक नंबर का प्रश्न है देखो इतना लग दो दिए हैं बट एक नंबर का प्रश्न है अभी करेंगे तो बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा प्लेनराम करेंगे तो रिजनरेशन हो जाएगा कौन दिक्कत है का कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थोड़ी है देखो सीधी सी बात इतना होता है ना कि ये जिनको जिन्होंने रिविजन भी कर लिया जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया कि अब हम बोर्ड देने के लिए उनका भी रिविजन हो जाएगा कि हम कितने पानी में है दूसरा जिसको कुछ नहीं आता उसको तो मज़ा आ ही रहा है उसको तो सब, उसको तो उसको तो फिर बर्माश्त है ठीक है इसकी पी मिल जाएगी अभी अगर सारे क्वेश्चन को देख जाओगे तुम साठ क्वेश्चन को मतलब चैप्टर के बाद पी अभी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऐसे बोलते हैं ना यूट्यूबर्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो मिल जाएगी वहाँ से गूगल फॉर्म होगा उसको भरते ही आपको लिंक मिल जाएगी ठीक है अमीबा क्या अमीबा क्या अपने पास फ्यूजन और प्लेन एरिया क्या है रिजनरेसन इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए प्रश्न नंबर सत्रह द नेम द लार्जेस्ट सेल प्रजेंट इन द ह्यूमन बॉडी नेम द लार्जेस्ट सेल प्रजेंट इन द ह्यूमन बॉडी ये गलत नहीं होना चाहिए भाई लिंक इज इन द द डिस्क्रिप्शन इन लिंक इज नेम द लार्जेस्ट सेल इन द प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी अरे वाह बहुत बढ़िया गजब लार्जेस्ट सेल प्रजेंट इन इन द ह्यूमन बॉडी इज ओम इज ओम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब गजब बोलो याद रखना है एक नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म्स इम्प्लांटेशन की बात करें इम्प्लांटेशन का मतलब से निकलना है कहीं ना कहीं लगना ठीक है कहीं ना कहीं लगना देख लेते हैं क्या बोला है इम्प्लांटेशन की बात करता हूं द एम्बेंडिंग ऑफ फर्टिल ऑपर फर्टिलाइज मेमोलियन एग्ज एग ठीक है अगर फर्टिलाइज मेमिलिन एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोल देते हैं मतलब फर्टिलाइज मेमिल एग हो जाएगा तो उसको हम एम्ब्रियो बोल देंगे कोई एग फर्टिलाइज हो जाए तो उसके बाद एम्ब्रियो हो जाएगा ठीक है वो कहां लेगा इन टू द इनर थिक वॉल ऑफ यूटेरस मतलब यूटेरस वोम्ब जिसको वोम्ब बोलते हैं ठीक है तुम्हें पता है वुमेन का वुमेन नाम क्यों पड़ा वुमेन का वुमेन नाम क्यों पड़ा डब्ल्यू एम ई -e एन क्योंकि वोम्ब वोम्ब जो धार धार करता है ठीक है वोम्ब जो धारण करता है उसको वुमेन कहते हैं ठीक है थीके? इसलिए वोम्ब यूटेरस याद रखना किसी ने नहीं बताओगे को, को बोलते हैं याद रखना ठीक है ठीक है इसलिए ठीक है तो यूटेरस थिक इनर थिक वॉल ऑफ यूटेरस वेर इट विल कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट इज कल इंप्लाइटेशन दोबारा देखो तो एम्बेडिंग ऑफ अ फर्टिलाइज अगर एग गया, बन गया वो ठीक मतलब है वहीं चलने वाले हैं प्लेसेंटा की बात करेंगे चलो अब आगे वाली प्रोस, अब प्रोसेस वहां जुड़ गया उसके बाद वाली प्लेसेंटा इट इज अ कॉम्प्लेक्स डबल लेड स्पोन्जी वस्कुलर टिश्यू इतना नहीं लिखना तुम्हें डोबो लेडी मतलब इतना खतरनाक तरीके में मत जाना इन ह्यूमन फीमेल फॉर्म बाय जॉइंट एक्टिविटी जॉइंट एक्टिविटी ऑफ मेटरनल एंड फिटल टिश्यू इन द यूट्रस दैट इज मीन फॉर अटैचमेंट नरिशमेंट एंड वाटर डिस्पोजल अब ऐसा अरे भैया काका लिख दिया आपने का का लिख दिया ये काका लिख दिया आपने ऐसा नहीं है ऐसा सोचो ऐसा प्रेजेंट डाइट आएगा तो तुम्हें इतना लिखना है बस इतना लिखना है कि एक कनेक्शन होता है जॉइंट कनेक्टिव होती थी है मम्मी और जो फिटस फिटस जो है अब ऐसा नहीं लगता बेबी नहीं लिखेंगे फिटस ठीक है उस टाइम पता नहीं है बेबी है फिटस ठीक है तो मेटरनल फिटल टिश्यू के बीच जो कनेक्शन है वो ठीक है वो किसके बीच है वो प्लेसेंटा की वजह से और क्या क्या का काम हो रहा है नरेशमेंट हो गया वेस्ट डिस्पोजल ऑफ फिटस हो गया ये सब काम वो कर रहा है ये बस इम्प्रूव इतना सा प्लेसेंटा में एक नंबर आ गया था एक नंबर के में काम लपड़ा है ये तो प्लेसेंटा का जो लिखा है दो नंबर में लिखा है ठीक है वॉट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी सबको पता है चालीस वीक दो डेज लगभग नौ महीने नौ चौका छत्तीस हाँ वही चार महीने चालीस नौ साढ़े नौ मतलब नौ ऐसे ही लगभग सबको पता है सबको पता है कई हमारे बायो वाले सर थे पेरेंसी को पता होगा हमारे बायो वाले सर थे उन्होंने एक शायरी सुनाई थी जब हम पढ़ते थे कि हाँ नौ शायरी हा, क्या थी नौ महीना लगा नौ महीने लगे थे कोई लड़का बोलता है मतलब किसी महफिल में ऐसे कुछ वो सुना रहे थे सर कि नौ महीने लगते हैं किसी नौ महीने लगे थे मेरी माँ को मेरा दिल बनाने में और उसको नौ सेकंड भी नहीं लगे मेरा दिल तोड़ने में मतलब गजब हमारे सर ने सुनाई थी इसलिए तुम्हें हमारे सर ने मुझे सुनाई और मैंने तुम्हें सुना दी कि नौ महीने लगे थे मेरी माँ को मेरा दिल बनाने में और नौ सेकंड भी नहीं लगा उसको मेरा दिल तोड़ने में वह अरे मेरे मैं अपनी फीलिंग नहीं बता रहा नहीं तो ना उल्टा मत समझ जाइए चलो अगला प्रश्न जी ये प्रश्न तो इतना पूछा नहीं जाता है बट मैंने हमने हमने, हमने ये इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है क्योंकि क्योंकि इस जगह से कभी तो इतना पूछा जाता नहीं बट अगर पूछ भी लेते तो क्वेश्चन लेना बनता है क्योंकि कोई इतना मैंने इसलिए लिया है कि तुम इसको पढ़ना पसंद नहीं करते पसंद नहीं इसलिए नहीं करते क्या आएगा इसलिए मैंने ले लिया चलो देख तो लेते हैं विजिटिव प्रोपेसन क्या है दो एग्जाम्पल के साथ बताना है कि एडवांटेज दो बताने दो बताने हैं ठीक है देख लेते हैं पहले ठीक है देख लेते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम रूट्स लीव्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन मतलब सीधी सी बात है मतलब सीधी सी बात है नए प्लांट बना रहे हैं हम पुराने प्लांट से बट उनको रिप्रोड्यूस करा के नहीं उनकी पत्ती हो गई जैसे हम टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं लाइक देट ठीक है उसी को मतलब कहते हैं वो वेजिटेट प्रोपेगेशन के अंदर में आता है ठीक है तो मतलब ओल्ड प्लांट से मैंने नाइन्थ वाले में बताया भी था कि अगर कोई प्लांट को वायरस हो जाता है मतलब कोई अगर मरने वाला हो प्लांट और लास्ट रह गया वो पूरे वित्तीय पूरी अगर बताया भी था मैंने फिजिक्स लास्ट में है ना अभी केमिस्ट्री बायो फिजिक्स लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म सब बाद में उसको भी लेंगे ठीक है इन वेजिटेव प्रोपेशन न्यू प्लांट्स आर ऑप्टेंड फिजिक्स के भी बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न लिए बहुत प्यारे प्यारे न्यू प्लांट ठीक है ये हो गया दो बैच कौन कौन से एक नेचुरल हो गया अपने पास और एक आर्टिफिशियल होगा नेचुरल देना बहुत जरूरी है का, अद्वन्तियस, अद्वन्तियस, अद्वन्तियस रूट, इन, नोच इन, जिसे वो वहाँ नीचे गिरेगी और पौधे वहां से उगना शुरू हो जाएंगे ग्राफ्टिंग इन दिस ये नेचुरल प्रोसेस में हो जाएगा ठीक है सॉरी आर्टिफिशियल ठीक है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोजली रिलेटेड टुगेदर वो एक साथ कर देते ना मतलब नीम के साथ ही उसको उगा देते हैं पोर्शन ऑफ ग्राफ्टेड ऑन प्लांट इज मतलब स्टॉक के बाद पता है ये सब चीजें हमने देख चुके हैं हार्दिक चीज़ें है एडवांटेज देखो एडवांटेज प्रोप्रगेशन इज चीपर इजियर एंड मोर रेपिड मेथड ऑफ प्रोप्रगेशन इन प्लांट देन ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम देयर अब देखो सीड से अगर ऐसे करेंगे तो सीड में कितना टाइम लगता है उगने में सीड को कितना टाइम लगता है उगने में तो इन कंडीशंस को उन्होंने दूर रखते हुए कि अगर हम वेजिटेबल करते हैं तो एक तो एक तो सस्ता होगा ठीक है आसान होगा और बहुत जल्दी हम बहुत सारे प्लांट्स कर सकते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स कैन बी मेन्टेन बाय दिस प्रॉपर्टी मतलब अपनी इच्छा से हम कर सकते हैं ना तो कि किस, किस कहाँ से निकालेंगे ऐसा ही कुछ है। तो वेजिटेबल प्रोपर्टीज में इतना कुछ खास था नहीं आगे चलते हैं अ अल चलो ड्रॉ का तो आना ही यार एक डायग्राम तो आना ही आना है ठीक है लेबल द फॉलोइंग प्रोड्यूस पार्ट द ट्रांसफर मेल गेमेंट टू फीमेल गेमेंट एंथर हो गया पार्ट द ट्रैप द पोलन ग्रेन ओके पार्ट द डेवलप देखते हैं क्या क्या है ये डायग्राम तो बनाना है और ये चारो ंकित करने अगर मैं बात करता हूँ पार्ट द प्रोड्यूस पोलन ग्रेन तो एंथर हो जाएगा पार्ट एलन पोलन ग्रेन, ग्रेन करता है एंथर ही करता है ना फिर उसके बाद दूसरी चीजें मैंने देखी दूसरी चीज देखी तो पार्ट दे ट्रांसफर मेल गेमेट टू तो द फीमेल गेमेट स्टाइल हो गया ठीक है पार्ट देट इज स्ट्रिकली ट्रैप द पोलन ग्रेन स्टिग्मा हो गया ऊपर से ऐसा देखो इसका इसका मुंह ऐसा है ऊपर से देखो यहाँ पे देखो तो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैप कर लेगा पार्ट द डेवलप ओवेरी उसमें कर्नोटो जल्दी फ्रोट में आगे चलते हैं एच की फुल की फुलफॉर्म बताइए भाई साहब एड्स इन्फेक्शस डिजीज है क्या ये भी बताइए और एड्स कैसे फैलते है चार कारण बताइए तीन नंबर का प्रश्न पूछे और क्या क्या बातें इन्होंने कर दी क्या क्या बातें इन्होंने कर दी एच आई वी की इम्न सिंड्रोम ए वायरस सॉरी सिंड्रोम तो एड्स की होगी वायरस ठीक हो ये हमें याद रहा हम कभी कभार जल्दीबाजी में लेते ना चायवी की लिखते तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस ऐसे लिख देते हैं अरे यार पूरा ध्यान से तो देखो ह्यूमन इम्यूनो वायरस पूरा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ठीक है याद रखो फिर क्या पूछा है इज एड्स फिर पूछा है इज एड्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज हा भाई हाँ है बिल्कुल हा भाई हा है चलो चार तरीके कौन कौन से पहला हो गया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ठीक है क्योंकि ना, के आता है। दूसरा हो गया पास, अगर खून का लेन देन होगा इंफेक्टेड पर्सन से मतलब इंसान से तो थ्रो इंफेक्टेड नीडल्स यूज ऑफ इंजेक्शन ठीक है से हो गया पास। और अपने पास प्लेसेंटा सा मदर के प्लेसेंटा भी खून का कुछ काम होता है तो वहां से भी हो सकता है चार तरीके चार तरीके कोई नहीं बताता मैं बता रहा हूँ सुन लो पहला सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया तो क्यों सुना सकता है ठीक है तीन नंबर में अलग से पूछ लेंगे व्हाट इज एड्स एक्सप्लेन द एड्स या वैसे पांच नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है इतना सा ठीक है ठीके? तो याद रखना इस बात को ठीक है थ्रो द प्लेसेंटा फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड प्रेगनेंसी आगे चलो चलो फिजिक्स का कौन वेट कर रहे थे भाई साहब फिजिक्स आ गया आपके सामने वेट कर रहे थे आप आप वेट कर रहे थे लो आपकी फिजिक्स आ गई कौन वेट कर रहा था फिजिक्स का फिजिक्स आ गया आपकी करो देखे आंसर बताओ मुझे चलो कर ही रहोगे तुम तो? मतलब एक बार कोशिश करो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हम कर दें हम कर दें पूजा कुमारी मीणा काफी जल्दी आ चुके हैं आप चलो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ ठीक है कौन के लेंस इसकी फोकल लेंथ अगर आपको 20 दी हुई है चलो ठीक है 20 सेंटीमीटर दे दी डिस्टेंस वोट वो डिस्टेंस फ्रॉम लेंस पाँच मीटर टोल ऑब्जेक्ट करो चलो सॉल्यूशन देखो अपने आंसर का मिलान करो जल्दी से सॉल्यूशन देखो और अपने उत्तर का मिलान करो जल्दी से किस किस का उत्तर सही है जल्दी से अपने उत्तर का मिलान करो यार फोक पहले लिख लो क्या क्या दिया क्योंकि ठीक है देखा करो पहले ठीक है बहुत बढ़िया गर्गी ने थोड़ा सा सोल्व किया कोई दिक्कत नहीं देखो ऐसे लिखना है क्योंकि बोर्ड में लिखते हैं ना तो प्रेम से लिखते हैं एम से क्यों लिखते हैं तो हम खुद की कर देते हैं रफ रफ कर देते हैं बट बोर्ड में लिखते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ठीक है फोकल डे में दिए ठीक है कौन के वो दिए तो माइनस में ले लो ठीक है एच नोट दिया है मैं ठीक है वी अपने को माइनस पंद्रह हो ही क्या ठीक है हम यहाँ से एफ निकालो भाई साहब सर यू निकालो एफ है v है तो u निकालो u माइनस सिक्सटी हो गया फिर मैग्नीफिकेशन निकालो h h v बाई वी यू वी बाई यू निकालो और सब कुछ हमें सब कुछ दिए बने एच नोट हमें क्यों बने एच आई निकालना है तो एच वन तो लोगे हेलो एवरी वन हेलो रोज फ्रेंकलीन ठीक है तो ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए ठीक है फिजिक्स का बहुत इंतजार कर रहे थे आप लोग आपके सामने फिजिक्स आएगी और ये क्वेश्चन आएगा बता दो इस टाइप का क्वेश्चन आना कन्फर्म है आएगा आएगा मतलब आएगा ठीक है लाइट रिफ्लेक्शन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये चीज़ें थी फार्मूले एक यहाँ पर देखो एक मैंने क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन क्यों उठाया क्योंकि देखो दो फॉर्मूले एक साथ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला प्लस फोकल लेंथ यूँ कैसे निकालते हैं फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं वो वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिख गए दोनों के साथ कैसे यूज करते हैं वो दिख गए हमें यहाँ पर ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन आपके सामने द फिजिक्स से फिजिक्स से फिजिक्स है मजा है फिजिक्स फिजिक्स मतलब फिजिक्स बायो भी बायो भी बहुत सारी है केमिस्ट्री भी है मतलब मिक्सअप है अभी तो क्या है अभी तो आधे क्वेश्चन नहीं हुए ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फोर मीडिया ए बी सी डी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच इन विच केस चेंज चेंज इन स्पीड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम बताइए किसमें मिनिमम होगी किसमें मैक्म हो जाएगी मिनिमम चेंज कब दिखेगा तब लाइट सी से एम आ जाएगी तो निकालने पड़ेंगे ना तो सी से ए में जाएगी ए से बी में जाएगी बी से सी में जाएगी सॉरी सॉरी ए से बी में जाएगी बी से सी में जाएगी सी से डी में जाएगी ए से डी में जाएगी मिनिमम मिनिमम बोला है देखते हैं क्या बोला मिनिमम इन सीन इज द लाइट मूव बिटवीन 1.5 टू 1.5 टू सबसे कम वाला जो है बी और सी वाला है तो डी वाला किसने बोला दूसरा बोला था मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ मैक्सिमम शायद ए और डी होना चाहिए है ना बिल्कुल सही देखो ना डिफरेंस तो देखो इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मोन्यूमेंट तो विच द तो के चेंज स्पीड इन विच द चेंज स्पीड इन मिनिमम मिनिमम सबसे कम अरे समझो तो सही क्वेश्चन को मिनिमम सबसे कम, कम कम कब होगा तब जो है उनके बीच की जो है रिपोर्टेट सबसे कम तो बी एंड सी सबसे कम तो मिनिमम ए और डी के बीच सबसे ज़्यादा सबसे मैक्सिमम बात को याद रखो समझ गया चौदह प्रश्न अरे क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन एक नंबर तो बहुत जल्दी बता देखो फिजिक्स का प्रश्न फिजिक्स के लिए बड़ा वेट कर रहे थे देखो फिजिक्स अब विच काइंड ऑफ मिरर आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स लाइट ऑफ मोटर कार एंड वाई बताओ मोटर कार की हेडलाइट्स अरे वाह प्रबल ने डायरेक्ट याद अरे वाह देवांग 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 देवंग सॉरी जो भी गलत पॉन्स कर रहा हूँ कौन के हो बहुत बढ़िया कौन के हो ताकि जो सामने लाइट है पैरल जा सके ऐसा कुछ होगा हाँ तो कौन के हो मेरा टू तो गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा सके कौन के हो बहुत बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर इसको याद रखेंगे ब्लैक स्टार ग डिसलाइक हो भैया कर दो आप डिसलाइक कोई दिक्कत ना है हमें हम अपना काम कर रहे हैं आप करो डिसलाइक मतलब आप अपना नाम छुपा के यहाँ पर डिसलाइक करने आए हो दैट इज वेरी गुड थिंग अच्छी बात है देखो हमें यहाँ पर आप डिसलाइक भी कर दो तो फर्क तो कोई पढ़ने वाला नहीं है हम किसी को बुला तो रहे नहीं कि आप पढ़ने हो यहाँ पर हम तो सबकी हेल्प करना चाहते हो कर रहे हैं ठीक है करते जाओ कमेंट आप चलो आगे चलते हैं अरे हम वेस्ट इनके ऊपर कहीं करें टाइम वेस्ट करेंगे <laughs> अब लाइक पे आ गया चलो ड्रो द रेड डायग्राम इन चलो ये क्वेश्चन जो पाँच नंबर का क्वेश्चन भाई तुम्हारे तो सामने दिखाई दे रहा है ना पाँच नंबर का जो क्वेश्चन तुम्हारे तो सामने अभी दिखाई दे रहा है इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शायद ही होगा शायद ही होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना क्या ही बताऊ देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पांच नंबर का क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बट ऐसा पूछ लेंगे एक नंबर में पूछ लेंगे कि रे डायग्राम बनाओ पांचों में से एक दे कंडीशन दे पूछ लेंगे एक, ये वाला रे डायग्राम बनाओ तीन नंबर में इसमें से तीन दे, दे देंगे दो नंबर में से तीन तो मैंने सोचा पांच ही ले लेते हैं ना यार खत्म टनटा ही खत्म पाँचों एक साथ ले लेते हैं तुम में से बट तुम्हें एग्जाम में इसमें से एक नंबर में देकर भी पूछ सकते हैं तुम्हें दो नंबर दे दो भी पूछ सकते हैं तीन नंबर देखे तीन भी पूछ सकते हैं पाँच नंबर देखे पांच भी पूछ सकते हैं बट मैं पांच ही लिया खत्म ठीक है पहला देखो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द तो कौन में क्यों अगर मैं पहले को देखूंगा पहले को देखूंगा तो देखो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ तो यहाँ से लाइट जाकर टकरा के इधर निकल जाएगी फोकस से होकर ठीक है फिर मैंने एक दूसरे बजे फोकल से निकल निकली तो पैरेलल होकर निकल गई मतलब मतलब अगर मैं ऊपर से पैरेलल भेज रहा हूँ तो फोकस से निकल रही है इधर फोकस से निकल रहा हूँ तो पैरेलल से निकल रही है तो ये बात याद रखो ये बात याद रखो रेड डायग्राम तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है नेचर ऑफ इमेज रियल रियल इधर देखो किस किस साइड में दिख रही है वो भी देखो रियल है इनवर्टेड है सेम साइज इज फॉर्म एट द सेंटर देखो देंटर से शुरू किया था वहीं पर आ गई देखो हमने शुरू चलो इसको मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार आपको दिखाता हूँ प्रेम से देखो यहाँ से सॉरी यहाँ से शुरू किया था और यहीं पे आ गई मतलब जहाँ थे वहीं पे पहुंच गए जहां थे, थे वहीं पर पहुंच गए भाई साहब जहाँ थे वहीं पे पहुंच गए तो ये बात यू अपने को क्लियर हमारे लोकेश जय ठीक है बिटवीन तो अगर दूसरा है पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो क्या करते हैं दूसरे में देखो पोल और फोकस के बीच फोकस हो गया ये पोल हो गया ये फोकस अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो जाए तो क्लास के बाद मेरे को जस्ट मैसेज करना कि मेरे को फिर से समझा दो फिर से समझा दो बता दूंगा मैं ठीक है हाथ से लेकर दिखा दूंगा दोबारा से ठीक है बट यहाँ समझो पोल और फोकस के बीच अगर रखता हूँ तो यहाँ रखो मैंने वाइट पैरेलल भेज रहा हूँ एक पैरेलल भेजा तो यार कुछ ना कुछ पीछे तो इतना तो ध्यान रखा मैंने कि यार रियल तो ना हुई क्योंकि तो इधर तो ना है ना रियल तो हुई ना तो सीधी सी बात वर्चुअल हो गई एनी हो गई देखो बड़ी कितनी हो गई एनी लास्ट हो गई ठीक है और इरेक्ट हो गई और बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर भी अपने को कुछ दिख रहा है ठीक है समझ में आई बात में अगर मैं अगली बात करता हूँ इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स की मिरर की बात करता हूं तो इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में गए हम ठीक है तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट साइज देखो साइज छोटी सी होगी गई नन्नी मुन्नी सी साइज होगी देखो नन्नी मुन्नी सी साइज होगी यहाँ देखो बड़ी और यहाँ नन्नी मुन्नी सी साइज होगी तो मतलब देखना उस चीज को है, देखना उस चीज को और बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे ये भी मिरर के पीछे हो गया बिहाइंड द मिरर ये भी मिरर के पीछे हो गए और मेरे पास लास्ट क्या है इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस सॉरी सेकेंड लास्ट होगा ना अभी तो क्या है देखते हैं टूएफ मतलब बहुत दूर हो गया टूएफ लेंस की बात करें तो यहां से मैंने डाला और यहां से अगर मैं डालूंगा तो तुम्हें पता है फोकस से होकर निकला बट ये लेंस है ये लेंस है तो फोकस से निकाल दो इधर चला और डायरेक्ट निकला सेंटर से तो डार है सेंटर से तो डायरेक्ट से तो से तो का डायरेक्ट निकल जाएगा भाई डायरेक्ट निकला तो कुछ यहाँ पे तो क्या नेचुरल इमेज क्या है रियल है देखो रियल है सीधी सी बात है इन्वर्टेड है देखो नीचे आ रही है उसके नीचे आ रही इन्वर्टेड हो गई इमेज फॉर्म डेटा टू एफ देखो जहां से इधर टू एफ से शुरू किया था उधर भी टू एफ को मिल रही है ठीक है तो यहां से इसकी डिस्टेंस तो फोर एप है बट मिल तो टू एप अदर साइड में मिल रही है अदर साइड में ठीक है अदर साइड में इस बात को याद रखना समझ रहे हो बहुत बढ़िया आगे चलते हैं पांचवे में पांचवा क्या था चलो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी हो गया इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल देखो देखो वर्चुअल कैसे हमें पता है ठीक है क्योंकि जहां पर हम चाहते बनना इधर चाहिए था तब रियल हो जाता बन इधर गया ठीक है जहां हम चाहते हैं वहां ना बने और अपोजिट जगह बन जाए तो क्या हो जाएगा वर्चुअल ठीक है इरेक्ट हो गया ठीक है डम डिस्ड हो गया बिटवीन द ओ एंड एफ इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हमने को नहीं है पांचों को जब पीपीटी तो पांचों को एक बार फिर से देख लेना तन मन धन से देख लेना ठीक है बिना किसी धन के सॉरी तन मन और बिना किसी धन के आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं छब्बीसवें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं छब्बीसवें प्रश्न पे और यह भी फिजिक्स का प्रश्न रे ऑफ लाइट इन द रेक्टेंगुलर ये छोटा सा क्वेश्चन है दो नंबर का फॉर्मूला यहां एक याद दिलाऊंगा तुम्हें फॉर्मुला फॉर्मूला तुम्हें याद दिलाऊंगा मैं यहां पर तुम्हें याद रखना रे ऑफ लाइट एंटर्स अ रेक्टेंगुलर ग्लास शेप ऑफ स्लेब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इट इज फाउंड दैट दे आर इमर्जेस फ्रॉम द अपोजिट फेस ऑफ स्लेब विदाउट बीइंग डिस्प्लेस इफ इट्स द स्पीड मतलब 10 टू पावर 8 ये 108 लिख गया सो 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड सेकंड देन वाट इज द स्पीड ऑफ इन ग्लास तुम कर लोगे तुम करके दिखाओ एक बार एक बार करके दिखाओ जल्दी से करके दिखाओ हेलो मोनी जल्दी से बहुत प्यारा क्वेश्चन है तो सिवाय भी जल्दी से देखो जल्दी से कर डालो इसको यार बहुत इजी है तो बहुत इजी है कर डालो इसको चलो 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 देखते हैं फॉर्मूला याद रखो फॉर्मूला याद रखो फॉर्मूला सब काम बन डालेगा फॉर्मूला याद रखो सब क्लियर है फॉर्मूला याद रखो सब क्लियर है फॉर्मूला याद रखो सी वी करो तुमसे पूछ लिया जाता है बहुत बार कि ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा ये बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा ये बातें याद रखो और तुम कर डालोगे जो तुम्हें करना है ये फॉर्मूला याद रखो बड़े प्रेम से और तुम कर दोगे ठीक है यहाँ डाला आ, अपने पास इन्होंने इलेक्ट्रिसी एयर सॉरी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड दी थी हमें पता है थ्री इंटू टेन पावर एट फिर उसके बाद उसके बाद अपॉन में अपने को पता है ठीक है इन्होंने दिया था वन पॉइंट फाइव ठीक है रिपोर्ट इंडेक्स मेरे पास सब चीज़ें तो इन्होंने दे दी ठीक है तो यहाँ पर मैंने निकालना क्या था निकालना क्या था बस आ गया खत्म आगे चलो वट इज मींट बाई एनालोग क्वेश्चन मुझे पता ही है एवोल्यूशन अब तुम बोलोग भैया तो हटा दिया हटा दिया बस ऐसे दिखा रहे हैं बस बस हटा दिया बस ऐसे ही दिखा रहे हैं वैसे अगर देख लेते हैं गलती से आ जाए तो वॉट इज मींट बाय एनालोगस ऑर्गन ठीक है टेकिंग अटल एक्साम्पल एक्सप्लेन हाउ दे दोट द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ठीक है याद रखो एनालोगस ऑर्गन की बात इसको जल्दी से पढ़ाता हूँ क्योंकि आने ही नहीं ठीक है जल्दी देख लेते हैं आर आई हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन ओरिजिन डेवलपमेंट जोरेंजन बट सिमिलर परफॉर्म सिमिलर प्रोडक्शन मतलब सब अलग अलग है इनका पर काम ए, सब एक जगह कर रहे हैं मतलब सब कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है कोई कहाँ का कहा है, कहा है बस काम एक कर रहे हैं वो सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं एक्जाम्पल हो गया द विंग्स ऑफ बर्ड बर्ड्स लुक लाइक सिमिलर बट एव डिफरेंट डिजाइन इन द देयर स्ट्रक्चर दे है कॉमन फंक्शन ऑफ फ्लाइंग बट देर ऑरिजन आर नॉट से जल्दी जल्दी निकाल जाए क्योंकि मतलब नहीं था अट्ठाईस एंड ऑल्सो रिजन फॉर द सेम ठीक क्या बोले ये क्या बोल रहे हैं ये क्या बोले कि इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन टू इट्स प्रोजनी द एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स लाइफ टाइम्स स्टेटमेंट को करते हैं जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक्सपीरियंस अचीव ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑन ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट मेक एनी चेंज इन द जीन ऑफ इंडिविजुअल ठीक है फॉर एग्जाम्पल एव ए पर्सन रीड्स अ बुक ऑन बर्थ मतलब सीधी सी बात है अगर आ न्यूटन है तो न्यूटन का बेटा तो न्यूटन नहीं होगा ना ये जरूरी नहीं है ठीक है सीधी सी बात न्यूटन का बेटा है तो न्यूटन तो वो नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं ऐसे ये ये कह सकते हैं कि न्यूटन के लंबे लंबे बाल घुंघराले बाल तो उसके बेटे के भी घुंघराले बाल हो ऐसा हम कह सकते हैं अब ऐसा थोड़िए कि जो विराट कोहली का जो बेटा हो रहा है उसको वो उतना बेटा या बेटी जो भी होगी वो इतना ही खतरनाक क्रिकेट खेलेगी या फिर हम ऐसा इतना तो, तो नहीं कह सकते हैं कि जो टैलेंट उसके माँ बाप में है वैसा का वैसा टैलेंट उसमें होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना ज़रूरी नहीं है मतलब नहीं होता ठीक है ठीक है वही बात है कि अगर एक इंसान किताबें किताब पढ़ रहा है पक्षियों के ऊपर उसने बहुत सारी नॉलेज अर्न कर ली मतलब फिर तो फिर तो फिर तो हम ऐसा कर लेंगे ना कि अगर हम यार मैं पढ़ लेता हूँ ठीक है मैं मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ है ना मतलब आज मैंने एमबीबीएस कर लिया डॉक्टरी कर ली मतलब मैं आई आई बन गया मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे जो भी होंगे उनको तो ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा कि मैं पढ़ चुका हूँ सब कुछ जो तो सिक्स क्लास से अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा राजा वही बनेगा जो हकदार होगा ठीक है नहीं होता मतलब नहीं होता समझ रहे हो आगे चले तो ये बात है अगर आप किताब पढ़ रहे हो ठीक है तो आप जित, जितनी जितनी नॉलेज uh, आप अर्न करते हैं ठीक है ऐसी बात नहीं कि अपनी जो नेक्स्ट जो होंगे चलो आगे चलते हैं प्रश्न पर क्रॉसिंग क्रॉसिंग करो भाई क्रॉसिंग 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 कराओ इफ यू क्रॉस प्योर ब्रेड टोल डोमिनेट करते हैं और प्योर डॉप है मतलब प्योर टी बड़े टी वाले हो गए और प्योर छोटे वाले हो गए वी गेट एफ वन जनरेशन इफ वी now सेल क्रॉस द पी ऑफ प्लांट जनरेशन देन वो टन मतलब सिंपल सिंपल जो था पढ़ाया हुआ है मैंने तुम्हें जब पढ़ रहे थे हम जेनेटिक्स था पढ़ाया था मैंने ठीक है तो देख लेते हैं पहली बात तो अगर मैं एफ वन जनरेशन देख वाट दट डू द प्लांट ऑफ एफ टू जरेशन लुक लाइक ठीक हो एफ वन में अगर मैं देखूंगा देखता हूँ ठीक है एफ टू एफ टू में चलो एफ टू में तो, तो, तो रेशियो लगो एफ वन में अगर मैं देखता हूँ तो सब टोल रहने वाले हैं ठीक है एफ टू में थोड़ा तो रेशियो चेंज हो जाएगा टोल भी होंगे मतलब थ्री टोल थ्री रेशो वन वाला जाएगा देखते हैं एफ वन की अगर मैं बात करता हूँ तो सारे टोल होंगे एफ टू की मैं बात करता हूँ देखो ठीक है अगर मैं दूसरी वाली बात करूँ स्टेट द रेशो ऑफ टोल प्लांट्स टू डॉप इन एफ टू जनरेशन ठीक है रेशो अगर मैं देखता हूँ तो एप टू में अगर मैं सेकेंड वाले देखता हूँ तो थ्री रेश टू वन वाला मैं करके क्यों इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें कराई हुई है और तुम्हें कल डायरेक्ट आंसर लिखना है कल डायरेक्ट आंसर लिखना है पेपर के बाद जब तुम्हारे प्रीवर्ट्स खत्म हो जाएंगे तो एक बार मेन मेन टॉपिक्स को फिर से देख लेंगे बट जनरेशन अच्छा एफ वन में कौन से दिखते नहीं है बट एफ टू दिस रीजन से ठीक है एफ वन होना चाहिए so, क्या बोला मैंने एफ वन में सारे टोल प्लांट है कि वो तो गुम गए ऐसा नहीं है कि वो गुम गए

बडा कैपिटल बी कैपिटल बी इसक्रॉस्ड ब्रेड क्रॉस क्रॉस ब्रेड विद डेट ऑफ वाइट फ्लावर स्मॉल बी स्मॉल बी हम एफ वन में क्या करेंगे बताइए अगर आपके पास क्रॉस ब्रेड ब्लू वाले हैं और वाइट वाले हैं तो एफ वन में क्या देखते हैं फिर देखते हैं वर्ड मस्ट परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर एफ टू जनरेशन देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन है एक्जैक्टली सेम है एग्जैक्टली सेम है एग्जैक्टली सेम है मतलब कोई दिक्कत नहीं है देखते हैं देखो यहां देखो एफ वन जनरेशन में देखा तो टोल वाला जो डोमिनेंस वाला था डोमिनेंट कौन था डोमिनेंट वाला था वो सारा डोमिनेंट 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 डोमिन, डोमिन देखा तो क्या देखा द कलर ऑफ ऑल फ्लॉवर एफ वन जनरेशन ब्लू बी, 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 वहां क्या देखा था सारे एफ वन में क्या थे टोल थे सारे एफन में क्या थे टोल थे क्योंकि वो डोमिनेंट था यहाँ ब्लू डोमिनेंट है ब्लू डोमिनेंट है इसलिए सारे ब्लू होंगे दूसरा बोला था ना वहां दूसरा क्या बोला था थ्री रिश्वन तो दूसरा क्वेश्चन था क्या था कि व्हाइट फ्लोवर का रेशियो क्या होगा तो थ्री रेशियो वन में चलो सौ को चार चार में बांटो तो पच्चीस 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 और पच्चीस को तीन बार कौन ले गया ब्लू वाला एक छोटा पच्चीस किसके लिए थ्री रेशियो वन तो क्या तो क्या मतलब चार का वन बाई फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो काटो चार से सौ को काटो पच्चीस पच्चीस परसेंट अगर मैं यहाँ पर इससे इससे नेक्स्ट चीज़ देखेंगे अगर यहां पर तुमसे उल्टा पूछ लेते कि ब्लू वाले की परसेंटेज बताओ तो हम सेवेंटी फाइव लिख देते हैं यहां पर पूछिए हमें वाइट वाले की तो हम ट्वेंटी फाइव लिख देते हैं रेशियो ऑफ जनरल टाइप बी 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 एंड बी बी वन इज टू टू एफ टू में देखते अगर एफ टू में देखते हैं तो देखो एफ टू में देखो जनरेशन में ये एक है ये दो है और ये एक है अगर टोटल पूछते हैं वन इज टू टू इज टू वन और अगर बस इतनी सी पूछते हैं बस इतना सा पूछते हैं तो वन टू में भी अपना काम चल रहा है वन टू में भी अपना काम चल रहा है तो पूरा दो मिनट का आपको ब्रेक देते हैं टाइमर चला के जा रहा हूँ मैं टाइमर चला के जा रहा हूँ ठीक है दो मिनट का आपको ब्रेक मिलता है ठीक है दो मिनट का आपको ब्रेक मिलता है दो मिनट में आप जल्दी से जाके आ जाइए जहाँ पर जाना है जल्दी आवाज 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 आ रही है आवाज आ रही है आवाज क्लियर आ जाओ आ जाओ जाओ सब आ, जाई आ जाई जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ दो मिनट का ब्रेक खत्म आ जाइए आ जाइए सब आ जाओ 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 मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ थक गए हैं क्या कुछ थकावट मैसेज हो रही है मुझे थक गए क्या थक गए बताओ आ गए हो तो बताओ नो no, नो no. चलो देख लेते हैं कुछ एक वीडियो देख लेते हैं तो फ्रेश माइंड हो जाए अपना वीडियो देख लेते हैं फ्रेश माइंड हो जाए स्टेप टू तो सक्सेस तो कल मैंने दिखाया था ठीक है अगर आपको कुछ दिखता है कुछ दिखता है फिर आप इसके पीछे लग जाते हो ठीक है पर बहुत हो कि आप फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करो उसके पीछे दौड़े जा रहे हो दौड़े जा रहे हो ये 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 ये, ये। फिर आपको थोड़ी सी थकान महसूस होती पर लगता है कि आपको पहुंचना है बस चलना है तो आप चलते जा रहे हो चले चले उसके बाद आप पहुंच गए आपको लगा ये हम जीत चुके हैं हम जीत चुके हैं फिर आपको पता चलेगा भाई साहब ये तो शुरुआत थी अभी तो बस शुरुआत की है मंजिल तो भी बहुत दूर है तो फिर हमें पता चलता कि बहुत फिर बहुत बीच में अब इतना कुछ इतना कुछ चल रहे थे इतना कुछ कर रहे थे तुम्हें धीरे धीरे डर लगने लगेगा बहुत डर इतना डर लगेगा कि तुम गिर ही जाओगे तुम गिर ही जाओगे बट तुम ऐसे इंसान नहीं हो तुम गिव अप करने वाले हो डोंट गिव अप गिव अप नहीं करना है फिर से चलेंगे हम फिर से दौड़ेंगे बहुत दौड़ते जाएंगे और तुम चढ़ोगे पर इसके इस बार तुम्हारे साथ कौन है तुम्हारे साथ इस बार एक्सपीरियंस है तुम्हें कहाँ गलती नहीं करनी तुम्हें पता है यहाँ पता है तुम्हें गलती नहीं करी अगर तुम गिर भी जाओगे तुम गिरते भी हो तो तुम्हें पता है तुम रेडी हो और तुम पहुँच जाओगे जहाँ तुम्हें पहुँच जाए जहाँ तुम पहुँच जाओगे जहाँ तुम पहुँचना है ये बात याद रखना ये बात याद रखना तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है ज़िंदगी के कई इंतहा अभी बाकी है ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है जिंदगी के कई इंतहा अभी बाकी है अभी तो नापी है मुठ्ठी जमीन हमने अभी तो सारा आसमान बाकी है कि मतलब डोंट गिव अप डोंट गिव अप चलते रहो मज़े से चलते रहो खतरनाक तरीके से शुरू करें फिर से स्टार्ट अगेन तीस क्वेश्चन और बचे हैं शुरू करें फिर से स्टार्ट अगेन तीस क्वेश्चन और बचे हैं उनको जल्दी से शुरू कर देते हैं ठीक शुरू तो करें बहुत बढ़िया यस हाँ यस yes, यस yes, हाँ यस yes, बहुत बढ़िया हाँ चलो स्टार्ट करो पहुँच चुके अपने इकतीसवें प्रश्न पे जो कि एक नंबर का प्रश्न है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर बताइए जल्दी अरे दीजिये। बता ही दीजिए बता दीजिए सेल और बैटरी बिल्कुल सही उत्तर सेल और बैटरी चलते अपने बत्तीसवें प्रश्न पर फाइंड द करंट थ्रो द फॉलोविंग इलेक्ट्रिक सर्किट निकाल लो जल्दी से निकाल लो यार ये सब क्वेश्चन को है ना वैसे मेरे पास पेड़ नहीं है लिखने वाला नहीं तो इतना अच्छा प्यारे तरीके से ट्रिक्स से समझाता ना चलो जल्दी से करो तीन एक चार मैं भी करता हूँ तीन एक चार चार तीन, तीन, उसको जोड़ दिया फॉर्मूला याद रखना वी आई और आर का क्या डिफरेंस समाया डिफरेंस क्या क्या इनके बीच रिश्ता होता है बहुत बढ़िया वी आई ओके आर ओके बहुत आंसर तो आ गया मेरा तो आ गया आंसर भाई तुम्हारा क्या है मुझे ना पता बस मेरा तो आंसर हो गया मैं तो क्लियर है चलो बताओ किस किस का उत्तर ये आया देखो equivalent सब सब हम सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि हमने अपरापास formula v equal to ir हमें पता है v equal to ir हमें पता है v equal to v equal to ir हमें पता है v equal to ir हमें पता है तो i निकालना है जब मैं तो v by r हो जाएगा अगर मैं i निकालूंगा तो v अपने को पता है पर r मुझे पता नहीं है r मुझे पता नहीं है तो सबसे पहले मुझे आर ढूंढना है तो सबसे पहले मैं इनको देखो रेजिस्टेंस में क्या बात होता है सीरीज में जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और जो पैरेलल में होते हैं उनको वन बाई करके करते हैं तो सबसे पहले क्या है पैरेलल वाल को इन, इनको जोड़ते हैं तीन प्लस एक चार तो वन बाई फोर प्लस वन बाई चार प्लस वन सिक्स करेंगे तो क्या टू पॉइंट फोर आ जाएगा फिर इनको टू पॉइंट फोर थ्री पॉइंट सिक्स ये हो जाएगा कुछ तीन दो पांच और छह छ प्लस तीन नो नो टोटल हो गया बिल्कुल सही नो टोटल हो गया तो पूरा रेजिस्टेंस तो कितना गया पास नो तो डालो वैल्यू पुट करो चार पॉइंट पांच वी अपन आर कितना है नो तो वन बाय टू तो जीरो पॉइंट पांच एम अपने पास आंसर आ जाएगा वीच कॉल टू तो आई आर वाला फॉर्मूला याद रखें प्रेम से बढ़िया तरीके से याद रखिये वीच कॉल टू तो आई आर फॉर्मूला आर को पूरा निकाल लीजिए याद रखिए कैपेसिटर तो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारे सिलेबस में रजिस्टेंस ही है ठीक है तो तुम तो तो रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में है सीरीज में है तो उनको सबको जोड़ो पैरेलल में है सॉरी सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ दो पैरेलल में है तो वन बाय वन बाय करके जोड़ो तो सबसे पहले हमने तीन और सीरीज में थे तो तीन और एक को चार कर दिया फिर ये दोनों पैरेलल में हो गया है, तो वन बाई सिक्स प्लस वन फोर किया तो ये टू पॉइंट फोर होम ओम उत्तर आ गया फिर ये भी सीरीज में हो गया टू पॉइंट फोर यहाँ पे वो भी सीरीज ये भी सीरीज तीनों को जोड़ा तो नाइन ओम तो आर तो पूरा क्लियर हो गया आर अपने पास नाइन ओम आ गया जब आर ऊपर पूरा क्लियर हो गया तो फॉर्मूला हमने पता था वी इज इक्वल टू आई आर हो गया उसके बाद हमने आई से वी बाय आर करके निकाला तो हमें पूरा पता चल गया कि उत्तर जीरो पॉइंट फाइव एम्पियर या फिर बोलूंगा वन बाय टू एम्पियर आगे चलते हैं तैतीसवें प्रश्न पर यहाँ पर तुमसे पावर के बारे में पूछा गया है कौन बोल रहा था अब बोलो फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे अब तो फिजिक्स के ही आ रहे हैं भाई साहब फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हो गए देखो हम सबकी सोचते हैं भाई आप तो फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं लाते लो करो इसको एनी इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड सिक्सटी वोट टू फोर्टी वोल्टेज कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स पावर कंज्यूमड एंड द कर किसी किसी का अभी मैसेज आया एक दो का व्हाट्सएप भैया मेरा डाटा खत्म हो गया है तो मैं क्लास बाद में देख जी आप देख सकते हैं मतलब देखो मेरे पास तो अनलिमिटेड वाइफ आई तो मेरे तो डाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का है तो मतलब मैंने पहले बोला था कि क्लास दो तो दो घंटा तो मिनिमम दो घंटे तो मिनिमम चलनी है बत बताया था मैंने पहले भी तो डेटा उसी प्रकार रखना चाहिए था मतलब कोई दिक्कत नहीं है पर क्या परेशानी करो इसको क्वेश्चन को करो मैं तो बताऊंगा पर करो तुम बस नहीं करना नहीं बस इतना बता दो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बस इतना बता नहीं फार्मूला कौन सा लगेगा आगे कुछ नहीं बस इतना बता दो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा देख लेते देखो पावर अपने पास दी है पी वन दिया है अपने पास सिक्सटी वोट बहुत प्यारे तरीके से ठीक है बहुत प्यारे तरीके से दिया है ठीक है सिक्सटी ठीक है वोल्टेज भी दे दिए अपने पास वी वन आर नहीं दिया पी टू नहीं दिया वी टू दिया है और आई वन का ठीक है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है वी स्क्वायर बायर आर पावर का फॉर्मूला क्या होता है वीस स्क्वायर बाय आर ठीक है तो आर यहाँ से निकालने वीस स्क्वायर निकालो और ऐसे करके आर यहाँ से निकल गया अपने पास फिर पी टू भी निकाल लेंगे वहाँ से ठीक है p2bm निकाल लेंगे ठीक है p2bm निकाल लेंगे क्योंकि अपने पास अब की बार आर अपने को मिल चुका है अब की बार अपने को आर मिल चुका है तो हमने निकाल लिया p2 निकाल लिया 38.4 फिर क्या बोला है ना कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड करंट ड्रॉन बाय द दे, ठीक हो देख लो करंट कितना करंट 0.9 एंपियर निकल गया तो सब चीजें तो निकल के आ गई सब चीजें तो निकल के आ गई अब तुम इजी वे में सारी चीज़ें निकाल सकते हो तो कुछ नहीं बस वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला याद रखना था और कुछ नहीं रखना था अपने को और कुछ याद नहीं रखना था यहाँ पर ये यह फिजिक्स चलो क्या होता है वॉट हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज मतलब अगर में क्या होता है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है क्या होगा अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फार्मूला याद रखो सीधा सा याद रखो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्यों क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इंडस्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया जो जो एरिया बढ़ेगा अगर एरिया बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा एरिया बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता कि क्या होगा जब इसका एरिया मैंने बढ़ा लेंथ तो तो बढ़ा दी तो लेंथ तो बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा बट अगर यहाँ पर बात करें कि एरिया बढ़ा दिया तो भैया रेजिस्टेंस घटेगा एरिया घटा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ घटा तो दी रेजिस्टेंस भी घटेगा इनवर्सली प्रपोर्सन में एक को बढ़ा दे तो दूसरे को घटना पड़ता है डायरेक्टली प्रपोर्सन में एक बढ़ा देते हैं दूसरा की भला होता है चलो चलते हैं पैंतीसवें प्रश्न में हाउ इज द ओजोन फॉर्म्ड इन अपर एटमोस्फेयर स्टेटेयर जहां पे है, the, पर है ओजोन अपनी वाट इज द वाई इज द डेमेज वो यहाँ पर लास्ट वाले तुम्हारे चैप्टर है ना नेचुरल वगैरह वाले एनवायरमेंट वो वाले वहां से कुछ क्वेश्चन ओजोन लेयर देखो मैंने तो चारों तरफ खोज खोजबीन करके प्रश्न निकालें यार चारों तरफ खोजबीन करके प्रश्न निकालें समझा करो ओजोन लेयर अकोर्ज ऑफ कंसर्न टू अस स्टेट अकोर्ज ऑफ दिस दिस डेमेज देखते हैं ओजोन इज फॉर्मड इन अपर एटमोस्फेयर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन ठीक है ये क्लोरीन के साथ मिलकर कुछ लपड़ा क्लोरीन रेडिकल रेडिकल के साथ मिलकर कुछ लपड़ा करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर कुछ लपड़ा करते हैं ठीक है ठीके? तो ओजोन बन जाती है ठीक है द डैमेज टू ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न टू अस ड्यू टू इट्स डैमेज मोर अल्ट्रा वोलेट रेस डीज टू अर्थ सर्पेस अगर ऐसा कुछ होगा देखो ऑटो से ओ और ऑटो से ऑटो में वो मिलेगा तो ओजोन बन गया इससे कोई दिक्कत परेशान नहीं है बट अ अकोज ऑफ दिस डेमेज इजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोर कार्बन ऐसा क्यों होता है क्योंकि सी एफ सीज फ्रिजेस वगैरह से निकलती है ये बाहर निकलती है फ्रिज वगैरह से जो सी एफ सीज निकलती है कार्बन क्लोरोफ्लोर कार्बन ये बाहर निकलती है और ये अपने डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कर रही है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कर रही है मतलब मतलब सीधा सा है मतलब सीधा सा है और इससे बात यह स्किन कैंसर होंगे अपने पास बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स अपने को होने वाली है तो ये भी इसे तीन नंबर तो का आप ये जो डायग्राम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं मतलब अच्छा काम चल रहा है उसके बीच में किसी को टांग अड़ाना अच्छा काम चल रहा है और किसी का बीच में टांग अड़ाना उसी को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कह देंगे पेस्टिसाइड यूज्ड इन क्रॉप्स are washed down into soil forms soil and are absorbed by the plants along with water and minerals and they enter the food chain while the consuming the crops human beings also consume the these pesticides which gets accumulated in our body kya hua sab se pehle हमने जब फसल उगा रहे थे पेस्टिसाइड डाल दिया पेस्टिसाइड जहरीले होते हम डाइट खाते हैं तो मर जाएंगे ठीक है उनको सोयल में डाल दिया क्योंकि जहरीले होते हैं सोयल में डाल दिया अब सोयल अब जो प्लाट प्लाट्स होंगे अपना मिनरल्स कहाँ से लेते हैं सोयल से लेते हैं सोइल से लिया तो पेस्टिसाइड भी लिए ठीक है और हम किसको को खाएंगे हम गेहूं को खाएंगे जो और जिसके अंदर पेस्ट जो हमने पेस्टिसाइड डाला था ज़मीन में जमीन में घुल गया उस जमीन में घुले हुए पेस्टिसाइड को प्लांट्स को अब प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलेगा जमीन से सॉरी प्लांट्स को मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे जमीन से ज़मीन से उसने पेस्टिसाइड भी उसको साथ आ गए जैसे पेस्टिसाइड साथ में है तो वो खाए फिर जैसे वो अब अब फूड चेन शुरू हो गए ना पौधे को इंसान खाएंगे तो फूड चेन शुरू होगी तो फूड चेन के बीच अगर ऐसी ये खराब चीज़ आ गई ठीक टॉक्सिक चीज़ आ गई तो हम बायोलॉजिकल इसकी इसी फिनोमेना को हम बायोलॉजिकल मेग्निफिकेशन कहेंगे हम जब पहुंच चुके हैं सैतीसवें क्वेश्चन पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सीधा सा बोलूंगा ठीक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दो सबस्टेंस विच आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर हार्मलेस सबिस्टेंस इन नेचर ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम एंड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्ग्रीनजम्स लैस सर्टेन बैक्टीरिया मतलब कुछ बैक्टीरिया इनको धीरे 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 तोड़ देंगे ठीक है धीरे 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 इनको तोड़ देंगे इनको धीरे 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 इनको तोड़ देंगे और जब तोड़ देंगे तो ये हार्मलेस भी होंगे और धीरे धीरे तोड़, तोड़ देंगे और डिग्रेड हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे यूरिन फिकल फिकल मेटर हो गया सिवेज हो गया एग्रीकल्चर रेजिड हो गया पेपर हो गया वुड हो गया क्लोथ हो गया कैटल हो गया कैटल डंग गोबर जिसको बोलते हैं प, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है यहाँ तक सबको क्लियर होगा कोई जिंदा ही नहीं है चेट पे जिंदा तो रहो कोई चेट पे कुछ तो बोलो पहुँच चुके हैं थर्टी एट पर पहुंच चुके हैं हम थर्टी एट पर थर्टी एट पर, पर पहुंच चुके हैं भाई साहब ड इको सिस्टम टू मैनमेड इको सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो जो हमने बनाई है जो जो हमने बनाया सॉरी एक बार जो हमने बनाया माफ कीजिएगा जो हमने बनाया हमने बनाए जैसे कि तालाब हो गया जैसे कि खेत हो गए सब हमने बनाए और कौन बनाने सब हमने बनाए एक्वेरियम हो गया बहुत बढ़िया ये सब चीज़ें हैं गार्डन हो गया पौंड हो गया एक्वेरियम हो गया खेती खेत हो गए सब हमने बनाए सब अपने, एग्जाम्पल लिख देना अपने हिसाब से कुछ भी ठीक है चार पाँच बता दिए दो लिख दियो कोई से भी चलो सजेस्ट थ्री वेज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सरवे देख लेते हैं इसको जल्दी से ज्यादा बेस्ट नहीं करेंगे दैट देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है फॉरेस्ट शुड बी यूज इन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड डेवलपमेंट साउंड डेवलपमेंटली साउंड मेनर मतलब बड़े तरीके से इनको इनका डेवलपमेंट हो जाएगा जैसे कि हम उनको फ्रेंडली यूज करेंगे मतलब क्रैकर्स बैन किया है तो मतलब उसको नहीं यूज करना मतलब फ्रेंडली कुछ चीजें हम फ्रेंडली यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा दूसरी चीज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स यूज ऑफ रिन्यूएबल जैसे हम उन चीज़ों का हमें ज़्यादा यूज करना चाहिए जिनको फिर से बना सकते हैं जिनको फिर से बना सकते हैं ऐसी चीज़ों को यूज कम कर कम करना पसंद करेंगे जो हम नहीं बना सकते फिर से ठीक है आगे चलेंगे वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय इंडस्ट्री शुड बी रिसाइकिल मतलब वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है वो बहुत टॉक्सिक होता है कितने पानी के जीव जंतु मछलियों और जो भी इसमें प्लांट्स वगैरह होते हैं कितनों को मार डालते हैं उनका जो रिसाइकल होना बहुत ही जरूरी है और अच्छा होकर पानी डलना चाहिए वी शुड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजी कंजर्वेशन गो हैंड मतलब सब साथ चले तो ज्यादा बेटर रहेगा चालीस परसेंट पहुँच जाते हैं एक्सप्लेन वाई आर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रो द सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ कौन क्यों मिररर गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल तो जीरो हो गया ना मतलब उनका अगर मैं निकालूंगा ठीक है देखते हैं द रे पासिंग थ्रो द सेंटर ऑफ करवेचर इंसीडेंट टू द मिरर अलोंग इट्स नॉर्मल ठीक है इंसीडेंट रिप्लेक्टर जैसे आएगी वैसे जाएगी उतना एंगल बराबर एंगल एंगल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें बिटवीन विच ऑफ मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑप्टेन मैग्निफिकेशन माइनस थ्री क्या बात करेंगे क्या बात करेंगे कहाँ रखना चाहिए कहां रख मिरर की बात करें। पांचों बता दिए मैंने पांचों बता दिए पहली बात पहली बात नेगेटिव साइन इंडिकेट हुआ है नेगेटिव साइड इंडिकेट हुआ है मतलब इमेज क्या है रियल है ने, नेगेटिव कब लगता है तब मतलब इमेज रियल है और इन्वर्टेड है सीधी सी बात है ठीक है और अब ऐसी कंडीशन बोला है टू पॉइंट ऑफ शुड बन प्लेस तो साइज है वो भी जब बड़ी होगी तो मतलब कहाँ रखना चाहिए एफ और टू एफ के बीच में कहीं ना कहीं रख देंगे तो साइड भी बड़ी हो जाएगी साइज भी बड़ी हो जाएगी मतलब जैसे टू एफ और टू एफ के बीच में सेंटर ऑफ सेंटर जहाँ एस सी पे रख दूंगा तो साइज भी बड़ी हो जाएगी और माइनस क्या इंडिकेट कराए रियल है माइनस really को ध्यान रखना माइनस ले देते हैं क्या क्या बोला है नेगेटिव साइन ऑफ़ इंडिकेट द इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड तीन नंबर का होता है आप डायग्राम भी बनाते हैं बयालीस so be परसेंट पे मेरा गला इतना सूख गया है डिस्टेंस बिटवीन अ रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाट टाइप ऑफ वाट टाइप ऑफ इमेज प्लेन से क्या बनेगा और सिनेमा स्क्रीन चलो देखते हैं देखो सिनेमा देखो प्लेन मिरर तो क्या है वर्चुअल इमेज बनाते हैं बिहाइंड द मिरर बनाते हैं और सिनेमा वाले करते हैं बिहाइंड द नहीं वो सामने बनाते हैं रियल बनाते हैं ठीक है देखते हैं इफ द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जन टू अ पॉइंट फ्रॉम इमेज टू इट्स ऑन इट कॉल रियल इमेज मतलब जहां से हम देखना चाहते हैं वहीं के वहीं सिनेमा में टी टीवी देख लो सामने के सामने देख रहे हैं सुनो उसके अंदर थोड़े देख रहे हैं बट अगर मैं देख रहा हूँ उसके अंदर दिखाई दे रही है तो तो वो क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा हम उसमें देखते हैं कांच में देखते हैं तो कहाँ दिखा देती है ओ पीछे पीछे ठीक है कौन के इमिर वगैरह हम देखते हैं अंदर धसेल लेता है बाहर दिखाते हैं तो वही वर्चुअल हो गया तो प्लेन इमिर तो अपने पास वर्चुअल इमेज हो गया और सिनेमा वाला

प्लास और कार्ड स्टोमेटा लिवस एंड लेंटिकल्स ठीक देखो मैं तो पूरे शार्ट क्वेश्चन करवा के जाऊँ किसी को नींद आ रही है कोई बोरियत तो वगैरह हो रही है मोटिवेशन डाउन करके जाओ सो जाओ रेस्ट लो और रात में फिर से ओपन करके देख लेना जहाँ से बट यार मुझे तो पूरा करना है तो अगर एक दो रहेंगे तभी मुझे देखना पूरा है ठीक है मुझे पूरा करना ही पड़ेगा ना ठीक है इन प्लांट्स टीनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर नोन एज स्टोमेटा एंड लेंटिकल स्टेम विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन द एंड ऑक्सीजन इज गिविंग आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड द वाइस वर्सा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन समझ में आ गया कि क्या होता है सब कुछ हम समझ में आ गया क्या होता है ठीक है वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे ठीक है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय विद इन प्लांट बाय जाइलम वेसल मेनली इन अपवर्ड डायरेक्शन मतलब मेनली ज़्यादातर नीचे से ऊपर पानी नीचे से लेकर ऊपर ले मतलब डी डीप में पड़ना है ठीक है वाटर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बाय द जाइलम वेसल्स मेनली इन डायरेक्शन दीज आर पार्ट ऑफ वस्कुलर सिस्टम विच ऑल्सो इंडिक इंक्लूड फिल्म याद रखना देखो ये बात याद रखना वॉयस वर्षा वाली बात याद रख सॉरी रेस्परेशन वाली बात याद रखना ठीक है वॉयस वर्षा वाली बात याद रखना और फोटोसिंथेसिस वाली बात याद रखना ठीक है फिल्म ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद इन द प्लांट टू ऑल पार्ट लाइक स्ट्रेम रूट्स फ्रूट सब सारा जो लफड़ा था ट्रांसपोर्ट वाला अगर उस वहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है तो जार फिल्म से बाहर तो कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है ठीक है तो तयलीस वाला क्वेश्चन कंप्लीट लिस्ट टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म अगर दे दिया डिफरेंस तब भी लिखना हो तो टेबुलर फॉर्म में लिखा करो एक तरफ नाम लिख दे दूसरी तरफ तो बीच में लकीर खींचो लिखना शुरू लिखना है कितने तीन लिख देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हर्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्ट्री देखो इसमें बोले पल्मोनरी आर्टरी के अलावा ऑक्सीजनेटेड प्लस हमेशा हर्ट के बाहर लेके जाती है चलो के बाहर लेके जाती है ठीक है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पलमोन आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता वेंस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इसका भी पलोमंड्री वेंस हो जाएगा दीज आर मोस्टली डीपली सैचुएटेड इन द बॉडी दीज आर सुपरफिशियली डीप इन द लोकेशन ठीक है देखो ओके okay, बार दीज आर थिक वोल्ड हाईली मस्कुलर एक्सेप्ट ऑलरेडी जो कैरियम करनी मतलब सिर की एंड वर्टिबल कॉलम पीछे रेडिकेट डी थे थिन वोल्ड देखो थिक वोल्ड क्यों हो गया क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा तुम्हें कि आर्ट्री थिक वोल्ड क्यों होती है सदा सा आंसर लिख देना क्योंकि देखो यार क्योंकि हर्ट से इतनी प्रेशर में देख आर्टरी लेके जाती है ना हर्ट से खून बॉडी में तो अगर इतना प्रेशर निकलेगा तो हर्ट जो इनकी वॉल से मोटी होनी चाहिए नहीं तो फट जाएंगी और वेंस की थिन वॉल इसलिए होती है क्योंकि वापस जब सारे घूम के आ गया तो बस उसको हर्ट तक लाना ही होता है तो इतना जरूरत नहीं होती उनको ठीक वोल्ड होने की चलते हैं आगे ड्रॉ अ डायग्राम टू शो ओपन स्टोमेटल पोर एंड लेबल ओन इट गार्ड सेल चलो डायग्राम में बनाता हूं तुम्हारे सामने गार्ड सेल यहां पर करो आप क्लोरोप्लास्ट आप करो आप ठीक है ठीक है बहुत प्रेम तरीके से देखो देखो स्टोमा ओपन कर लिया मैंने स्टोमा में क्लोज कर दिया ठीक है क्लोरोप्लास्ट ये रहा न्यूक्लियस हमें दिख रहा है थिकर इनवॉल दिख रही है गार्ड सेल दिख रहा है, से है थिकर आउटर वॉल दिख रही है मतलब सिंपल सा है दो दो गार्ड सेल बना के एक दो, एक दो कर देना और बढ़िया तरीके से कर दोगे तुम तो आनंद आनंदमय ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज लिख दो यार ठीक है दूसरा जगह ट्रांसपीरेशन टाइप ट्रांसपीरेशन भी स्टोमेटा करा रहा है दो फंक्शन लिख तो तो दो दिक्कत नहीं होनी चाहिए हाउ डू गार्ड सेल एंड द्लोजिमेंट ऑफ देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इन टू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक एट द लार्ज अमाउंट इसके बाद है पैंतालीस के बाद ब्रेक टाइम है याद रखना पैंतालीस के बाद ब्रेक टाइम है ठीक है एज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ड थ्रो दिस स्टोमेटा द प्लांट क्लोज इज दिस पोर्स वेन इट डॉट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से देखो फिर से बात को समझो कि जब पानी घुसेगा ओपन ठीक है ठीक है ओपन हो जाएगा सिमिलरली पोर्स क्लोज इफ द गार्ड सेलिंक अगर गार्डसेल स्रिंक हो जाएगी तो पोर्स क्लोज हो जाएगी द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लोस्ड थ्रो दिस टोमेटा द प्लान्स क्लोजेज द पोर्स वैन इट डज नॉट डिवाइड इसलिए जब अगर खुला रहेगा तो ज़्यादा टाइम रहेगा लगेगा बट अगर खुला नहीं चाहिए हमें खुला नहीं चाहिए तो ऐसे होगा ठीक है जिसको पढ़ना है पढ़ते रही है दो मिनट का ब्रेक फिर से लेते हैं दो मिनट का ब्रेक फिर से लेते हैं आप मिलिए मुझे तीन बज के इक्यावन मिनट तीन बजकर इक्यावन मिनट पर मुझे जल्दी से मिल जाइए तब तक मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए शुरू आ करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं आ आ आ आ शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं झाला का शुरू जी जरूर कर रहे हैं झाला झाला चलो छियालीसवें बस अब खत्म ही होने वाली क्लास बोले मजा हो जाएगा खत्म होने वाली डीप में डीप में हाउ आर द एल टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एलव कैसे डिजाइन होती है क्वेश्चन पहले दीपेश राठौर ने पूछा था दीपेश राठौर जी ने यह प्रश्न पूछा था जब हम डाउट ट्रांसेशन कर रहे थे तब भी मैंने बताया था फिर से क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है Alveoli are small pouches and sac-like structure. They are surrounded by blood capillaries. Thus, a large amount of air is brought in contact with, with the air in the lungs. More than millions of alveoli are present in the lungs. The presence of millions of alveoli in the lungs provide a very large surface area for exchange of gases. एलि एवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सर्फेस एरिया मैग्जीमाइज टू मैग्जी अब दोबारा पढ़ो देखो अब पढ़ो अब क्या बोला बात स्मॉल पाउच सेक्सलाइट स्ट्रक्चर है ठीक है ब्लड कैपिटल चारों तरफ लगी हुई थी मैंने डायग्राम बना के बताया था उस दिन ठीक है तो लार्ज जितनी ज्यादा एयर आएगी ज्यादा लानी पड़ेगी ठीक है तो लंग्स जितनी लेके आएगा तो बहुत सारी एलोविलाई है लाखों की मतलब अगर एलविला को बाहर निकाल कर तो कमरा भर जाएगा ठीक है तो एलोविलाई में बाहर लाया मिलियन सो एलो का ठीक है लंग्स में प्रेजेंट है तो इतने सारे लंग्स में प्रोजेंट है तो लॉर सरफेस हो गया एक्सचेंज ऑफ गेसेस के लिए ठीक है तो इतने सारी वो ऐसे डिवाइस डिजाइन होती है पाउचेज स्ट्रक्चर होती है ब्लड कैपर होती है तो इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है इतना सारा सरफेस एरिया बना देती है ठीक है बहुत सारा सरफेस एरिया कर देती है तो इसलिए एक्सचेंज ऑफ गेसेज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं समझ में आ रहा है सैंतालीस सौ परसेंट पे चलते हैं स्टूडेंट डिटेक्ट द पीएच ऑफ फोर अननोन सॉल्यूशन फोर अनोन सोल्यूशन ए बी सी डी एज फोलोज ग्यारह पाँच सात दो ठीक है चलो इससे पहले तुम्हें बताता हूं तुम फिर मेरे को बता देना ठीक है ठीक है ये, ये एक ये एक लाइन है कितनी प्यारी ठीक है ठीके. ये एक इसका है यहां पे लिखा हुआ है चौदह फोर्टीन यहां पे लिखा हुआ है जीरो और यहां पे लिखा हुआ है सात तो ये बात याद रखना ये बात याद रखना अगर सात से इधर जितने भी हैं एसिड है तो सात से इधर जितने भी है बेस है जितना तो फोर्टीन की तरफ जाते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा बेसिक होते जाएंगे जितना सात से जीरो की तरफ जाते जाएंगे एक होगा जीरो का एक की तरफ जीरो एक की तरफ जाते जाएंगे उधर जाते जाएंगे वो मोर एसिडिक होता जाएगा तो देखते हैं अगर मैं ग्यारह की बात करता हूँ ग्यारह की बात करता हूँ तो बेसिक हो गया पांच की बात करता हूँ तो एसिडिक हो गया सात की बात करता हूँ न्यूट्रल बीच में और दो की बात करता हूँ स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो जाएगा देखते हैं अगर मैं बी बी की बात करता हूँ बी क्या है ए ए, ए है, गयरा, गयरा की बात करता हूँ ए ए ए कितना है ग्यारह ग्यारह कुछ यहाँ पे होगा मतलब बेसिक होगा पाँच की बात करता हूँ पाँच क्या है इधर है तो एसिडिक होगा सात क्या है न्यूट्रल है बीच में होगा दो क्या है स्ट्रांगली एसीडी को तो कुछ यहाँ पे होगा बहुत बढ़िया मतलब दो इधर है तो स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा पाँच भी एसिड हो जाएगा बहुत बढ़िया उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं होनी चाहिए अगले चलते हैं अड़तालीसवें प्रश्न में वाइट पाउडर इज एडेड इन वाइल्ड बेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स पाउडर पाउडर कौन सा पैरा क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए देखो जल्दी से करते हैं बेकिंग पाउडर है बनाया जाता है घरों में सबके मिलता है बेकिंग पाउडर इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टाइट्रिक एसिड देखो ये याद करना है रट लो रट लो इसको रट लो कोई दिक्कत नहीं रट लो ठीक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 टू निकालता है इसकी वजह से वो फिल्पी हो जाता है देखो एक स्विच चीज होता है बाद में अभी सॉफ्ट और क्यों होता है CO2 टू सी ओ टू जब निकालते हैं लिखा भी होगा ना ठीक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्यूस सीओ टू विच मेक्स केक सॉफ्ट एंड फ्लफी टार्टिक एसिड न्यूट्रलाइज द बिटरनेस एंड ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा थोड़ा सा कड़वापन पैदा कर देगा और उस कड़वापन को पैदा करने के लिए हम टार्टिक एसिड को यूज कर देंगे बेस को एसिड एसिड प्लस बेस कर न्यूट्रल तो बेस को एसिड कम कर देगा ठीक है एसिड कम कर देगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बिटरनेस भी कम हो गई ठीक है बिटरनेस खत्म और सी टू हम सी टू हायर सोल सीओ2 निकलता है इस वजह से सॉफ्ट और फ्लफी हो जाएगा रिएक्शन क्या है हमारे पास 2NaHCO3 ये अपने पास हो जाएगा बेकिंग सोडा ठीक है उसको मैंने हीट किया तो Na2CO3 CO2 पानी कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होनी चाहिए चलते हैं हमने 49वें प्रश्न पर अरे राम चलो जल्दी से प्रश्न करो यार जल्दी से प्रश्न करो जल्दी से प्रश्न करो डालो फॉर्मूला बताओ टार्टिक एसिड का टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला रुक जाओ सी फोर एसिक्सिक्स सी फॉर और सिक्स लिख लो और तो कुछ दिक्कत नहीं चलो इसको देखते हैं क्या बोले

एंड फॉर्मुला ऑफ एक्स डिस्क्राइब एल्कोली प्रोसेस विदलेंस केमिकल इक्वेशन नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकर्स वैन एक्सट डायलिट हाइड्रोक्लोर ठीक है सीधी सी बात करें एनओ एच एन ओ एच कैसा यार ठीक है वैन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जिसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्मड मतलब एनओ एच बन जाएगा कैसे बन जाएगा एंड उससे क्लोरीन बाहर निकल जाएगा ठीक है सी फोर एच सिक्स और सिक्स सी फोर एच सिक्स देवंग देवंग्लोराइड गलाई बैठ गए सूख गए पूरा बैठ जाएगा तो ग्लाइड ठीक है एक्स हो जाएगा उनके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोरिन बाहर निकल जाएगा इस और इसी को क्या बोलते हैं क्लोराइड के लिए प्रोसेस याद रखना सोडियम क्लोराइड जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं मतलब उसको तोड़ते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन भी निकलता है सीएल टू तो निकल गया तो फिर क्या बोला था एस सी एल के साथ रिएक्ट किया कुछ चीज को हमने तो एस सल तो के साथ में क्या रिएक्ट करूं ताकि हमें एनएससीएल मिल जाए तो एक ही चीज है ना एन एम एच इसलिए मैं तो अब, अब कोई बोलेगा भैया आपने भैयाच क्यूज लिख दिया मैंने ऐसे लिखा मैंने ऐसे लिखा ठीक है अब और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे हुई सबको पता है इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है पानी निकल गया कैसे ये एसिड है एसिड अपने पास एसिड है एन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया एसिड और बेस को मिलाऊंगा तो क्या हो गया न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना इसमें कोई दिक्कत ना हो गई ना ठीक है इट इज बिकॉज प्रोसेस इज highly. लीज इफ वाटर इज एडेड टू एसिड बॉटोलो एसिड विल ब्रेक क्या बोला है कि वाइल डायलोटिंग एन एसिड वाइल एसिड शुड बी एडेड वाटर एंड नोट इन वाटर टू एसिड सीधी सी बात है ठीक है क्योंकि अगर एक्तर में ये पहले कर चुके हैं ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं क्या एसिड में धीरे धीरे कैसे हम ये बात हम, ये बात हम कर चुके हैं यह बात हम कर चुके हैं। फिफ्टी फिफ्टी हो चुकी है पचास तक पहुंच गए इतनी खुशी इतनी खुशी मतलब बहुत खुशी हो गई पचास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मतलब कहा मतलब दो घंटे से बैठे चार एग्जैक्ट चार बजे फिफ्टी फिफ्टी कंप्लीट कर लिया भाई फिफ्टी तालियां तालियां और बस मात्र छ सात आठ इंसान हमसे जुड़े हुए हैं देखो शुरू में कितने थे लगभग थे सत्ताईस अट्ठाईस तक पहुँच गए थे अभी तक तो तुम यस देवांग प्रबल बहुत बढ़िया एंड प्रियांशी जी का भी ये ये प्रियांशी मैम जिन्होंने थोड़ा बहुत डिजाइन ये जो आपका जो पेपर है इन्होंने डिजाइन करने में हमारी हेल्प की है ये एडमिन एडमिनमिन का नाम नहीं है एडमिन मतलब बोलेंगे तो फ्यूचर स्टार एडमिनम का नाम नहीं है बट बहुत जल्दी इनका एडमिन में नाम इनका जोड़ दिया जाएगा इन्हों, इन्होंने इन्होंने फॉर्म कर फिलअप कर दिया है फ्यूचर स्टार एडमिन के लिए इन्होंने इनकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है बट ये जो क्वेश्चन कलेक्शन का काम है इन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी तो इनके लिए एक बिग एप लो बहुत थैंक यू थैंक यू इनको शुरू करते हैं अपना पचास प्रश्न डिफाइन अ बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहा जाता है वाई सुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कौन कौन सी फॉस्पोरस को बर्न करेंगे इन ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म पेंटाक्लोराइड ओ पी सी एल ओके बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस

केमिकल रिएक्शन <laughs> मैं नाइनथ वालों तो को भी बताया हूँ वहाँ भी था वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे थे ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने बताया था नाइदर भी क्रिएटेड नॉर बी डेस्टोराइड तो एक जोक जोक तो नहीं था मतलब वैसे पढ़ रहा था मैं जैसे वो नौ महीने वाला बात की तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा था इसमें भी मतलब पढ़ते पढ़ते याद आ गया मेरे को ऐसा कुछ याद आया कि कि हाँ कि लव 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 कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टू नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अरे वाह ठीक है एक्स टू नेक्स्ट मतलब लव कैन एदर भी क्रिएटेड और नोर भी डिस्ट्रॉयड इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्स टू नेक्स्ट आगे चलते हैं फोर्स फ्रोस बर्न से पीसीएल फाइव वाली रिडेक्शन कर लेते हैं पहला करेंगे पी फोर प्लस टेन सी एल टू देखो बैलेंस करना इज अपना क्रमधर्म है क्रमधर्म है चार पी सी एलोगे ओके चार पी ठीक है दस दूनी बीस बीस क्लोरीन है पांच चौक बीस बीस क्लोरिन पीएसएल फाइव तो, तो इन्होंने बोल दिया कि पीएसएल फाइव पीएसएल फाइव तो इन्होंने ही बोल दिया कि पीएसएल फाइव तो बनना ही है पर इक्वेशन बैलेंस करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर बोला है बर्निंग ऑफ नेचुरल नेर्निंग सी ओ टू का पूरा काम है ही सही सी एस फोर को मैं टू और टू के साथ करूंगा तो सी ओ टू कार्बन कार्बन एक ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन चार बहुत बढ़िया उसके बाद बोला प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में बारे में पहले बात कर चुके हैं प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में दूसरी बार ये बात आ रही है उल्टा भी कर दोगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात में नहीं होनी चाहिए आगे चलते हैं इक्यावन में वेरिएशन डेट फॉर एन एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म ओनली विल सर्वाइव पॉपुलेशन वेरिएशन के बारे में बात किए वेरिएशन के बारे में बात किए वेरिएशन के बारे में पहले भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं आज फिर से करते हैं इट इज़ बिकॉज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल डिपेंड ऑन द नेचुरल ऑफ नेचर ऑफ़ वेरिएशन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज मतलब बाहर अगर अलग अलग वेरिएशन रहेंगे हम बाहर चीज़ों से बाहर चीज़ों से आ, क्या बोलेंगे बाहर की चीज़ों से अडेप्ट जल्दी कर पाएंगे उसके अलग अलग एडवांटेज हमें मिलते रहेंगे एग्जाम्पल है। देखते हैं बैक्टीरिया कैन विद स्टैंड हीट विल बेटर इन हीट वेव। दैट इज द फिट इन कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट एंड विद ग्रेट वेरिएशन विल एबल टू सर्वाइव एंड मोर ऑफ स्विंग एंड पॉपुलेशन विदिकेशन सीधी सी बात है सीधी so, सी बात है जहाँ जिसको रहना पसंद है वहाँ रहेगा बैक्टीरिया को वहाँ रहना पसंद है तो वहाँ रहेगा ज्यादा सर्वाइव बेटर करेगा तो मतलब कॉम्पिटेटिव कुछ भी पास में रहेगा तो मतलब लफड़ा तो होने वाला है जेनेटिक वेरिएशन हिस्ट्री को बोलेंगे ठीक है वेरेशन का बात वेरिएशन की फिर जो तो बोले इंपॉर्टेंस की बात बोली थी मैंने कि सबकी शक्ल है जैसी दी हो जाएगी तो कोई भी किसी के घर में घुस जाएगा ये हमें पता है चलो लेबल लेबल करो ए का नाम क्या है बी का नाम क्या है सी का नाम क्या है डी का नाम क्या है ई का नाम क्या है पाँच नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है ठीक है पहले बार एविडक्ट हो गया और ट्यूब मतलब वो तो पूरी वहाँ से हो जाएगी पर मान लो ठीक है बी अपने पास बी ओवेरी होगी ओवेरी का काम क्या है अपने पास सबको पता है ठीक है ओम प्रोड्यूस करना सी हो गया अपने पास यूटेरस यूटेरस जो अपने पास प्रेगनेंसी के दौरान जो अपने पास वोम्ब जो अपने पास एम्ब्रियो को धारण करेगा ठीक है आगे चलते हैं सर्विक्स सर्विक्स अपने पास हो जाएगा वेजाना सर्विक्स हो जाएगा अपने पास वेजाना हो जाएगा वेन डू द फॉलोइंग फंक्शन कर प्रोडक्शन ऑफ एग का होता है भाई एक का प्रोडक्शन कौन करता है ओवेरिज करती है फर्टिलाइजेशन कहा होता है फेलोपिन ट्यूब में होता है आगे चलते हैं क्या होगा अदर अगर मतलब यूट्रेस की लाइनिंग के साथ क्या होगा देखते हैं क्या होता है बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजेशन अगर बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजेशन एक ठीक है देखो अगर ऐसा होगा तो लाइनिंग ऑफ यूट्रेस ना वो थीक हो जाएगी क्यों थिक क्यों हो जाएगी क्योंकि उसको पता है कि अगर 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 फर्टिलाइजेशन सॉरी अगर, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ क्योंकि एग आ चुका है में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रॉय वहां पे आएगा क्योंकि एम्ब्रोय वहां पे आएगा तो उनको उसके लिए तैयारा शुरू कर देते हैं यूटेरस वगैरह तैयारा शुरू कर देते हैं तो फर्टिलाइज होने से पहले तैयारा शुरू कर देते हैं ठीक है इफ नो फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लाइनिंग वगैरह टूटने लग जाएगी ठीक है ये लाइनिंग ऑफ यूटरस बिकम आगे नहीं लिखा मतलब आगे समझ जाना तुम ठीक है आगे समझ जाना ए, क्या अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मतलब फिर भी उसके लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं फर्टिलाइजेशन पहले उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो एम्ब्रियो के लिए आसानी से वहाँ पर जगह हो सके दूसरा भाई अगर इफ़ नो फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है तो फिर वो ओ में वो वो जो अब जो सारी तैयारियाँ थी वो बर्बाद हुई मेहमान आए नहीं तो सब जो जो लाइनिंग है यूटेल्स की वो तोड़ तोड़ना शुरू हो जाएगा और जिसको साइकिल हम साइकिलेशन कहते हैं मैं हो जाएगा वेजना में ब्लड एज अ ब्लड म्यूकस विद एज अ म्यूकस के थ्रू निकल के आ जाएगा ठीक है मैं पता है ये चीज वाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक चार डिजीज के बारे में बताना है विच ऑफ वन ऑफ द डेमेज इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी देखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सीधी सी है सबको पता है विच आर स्प्रेड बाई सेक्शुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू दूल्दी पर्सन दे आर कोज बाई वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वॉर्म एंड मोस्ट एनवायरमेंटल ऑफ दूरेथ्रा and, ovegina, urethra, and mouth. फिर दूसरी बात देखी हमने क्या बोला चार के नाम बताओ चार के नाम बताएंगे आपको

क्या बोला डोबेनियर जो चाचा जी थे उन्होंने बोला था कि दोनों का एवरेज लो दोनों का एवरेज लो मतलब सात प्लस उनतालीस अपॉन टू दो है ना तो अपॉन टू करो उतर आ जाएगा देखते हैं कैसे होता है एवरेज निकाला तो पता चल गया उनतालीस प्लस सात छियालीस बाय दो एटोमिस मास निकल सोडेम निकलेगा इधर ट्राइड दिस नेक्स्ट चीज के ठीक है ओके ओके आगे चलते हैं पचपन परसेंट पानी पी लेते हैं जय सीताराम वो हाँ पसंद क्या है डिड मेंडल हैव गेप्स इन पीरियोडिक टेबल गेप्स वर लेउट फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट उन्होंने सोचा कि बाद में भी कुछ डिस्कवर होंगे उनको उन्होंने छोड़ दिया कि हाँ यहाँ पे डालते रहना ये जगह छोड़ दी आ जाओ यहाँ पे उन्होंने सोचा हाँ कि खेल रहे हैं तीन जनों की जगह मैंने ले ली एक जगह छोटे जो आ रहे हैं जो आ जा रहे जो नई चीज़ें आई हैं एनी थ्री लिमिटेशन ऑफ में क्लास में थ्री लिमिटेशन क्या थी इंक्रीज अवर एटमिक मास कुटेन्ड मतलब उन्होंने मेंटेन नहीं कर पाया उन्होंने सही थोड़े थोड़े सही चले फिर बाद में मेंटेन नहीं कर पाए ठीक है आई सॉट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटमिक मास दे के नॉट बी गिवन सेपरेट प्लेस उन्होंने अलग अलग जगह पूरा लफड़ा बिगाड़ दिया इस चीज़ का भी ठीक है नंबर ऑफ सेल्स रिमेन द सेम नंबर ऑफ उन्होंने काम खराब कर दिया बोला डेक्ट्रॉनिक कंफ्रिगेशन ऑफ एटम चेंज इन पीरियड विद इंक्रीजिंग एटमिक मास ठीक है ये ऐसा कुछ हो जाएगा समझ रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल गोजन इक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट राइट नंबर ऑफ सेल इंक्रीजिंग होती जाएगी तो ऑक्टेट जब तो तो तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक एक, एक एक बढ़ता जाएगा जैसे एक टू वन हो गया टू टू हो गया टू थ्री हो गया टू फोर हो गया टू फाइव हो गया टू सिक्स वो टू सेवन हो गया टू एट होता है काम खत्म हो जाएगा टू खत्म होता है काम हो जाएगा अब दोबारा देख लेते हैं गैप छोड़े थे किताब बात हो जाएगी तीन चीज़ें क्या थी जो हाइड्रोजन की फिस वो जस्टिफाई नहीं कर पाए दूसरा बोला कि जो मास्क था जो मैंटेन नहीं कर पाए आइसोटोप वाली बात वो सही सही नहीं बता पाई और तीसरा फिर प्रश्न क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूगेशन क्या है मतलब मतलब क्यों तो उन्होंने लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ते हैं तो जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब नहीं होता फास्ट कर दो अभी बहुत बढ़िया हो गया छप्पन में व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट क्या है ऐसा यूनिट क्या है एस आर क्या है आई इज्कल टू क्यू बाई टी आई इज्कल टू क्यू चार्ज अपॉन टाइम चार्ज अपॉन टाइम चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट इज्कल चार्ज अपॉन टाइम चार्ज अपॉन टाइम एस आर क्या है एपेयर एस आर क्या है इलेक्ट्रिक करंट ही क्या एम्पेयर इन इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए वाट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जस्ट जिस्ट बाय ठीक है वन एम्पेयर करंट इज दैट करंट इन विच इन विच क्या डिफाइन डिफाइन भी करना है ऐसा यूनिट मतलब वन एम्पियर ऑफ करंट इज दैट करंट विच फ्लो विन वन कलोम्बर मतलब एक कोलोम्बर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हम कर देंगे एक पर्टिकुलर एरिया क्रोसेसर मतलब एक सेकंड में जितना करेगा उसको हम बोल देंगे हम बोल देंगे उसको और अगली प्रश्न था कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ए टू बी मतलब उल्टा हो जाएगा ठीक है उल्टा हो जाएगा क्यों अपोजिट डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ इनोमेटर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूट द करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लोप इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज टेकन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट सुन में आ गया अपोजिट होगी अपोजिट होगी अपोजिट होगी अपोजिट होगी अपोजिट होगी ठीक है याद रखेंगे अगला प्रश्न पूछा था स्टडी करंट ऑफ वन एम्पेयर फ्लोज द्रू अ कंडक्टर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे कर लेंगे सीधा सा बात तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा इन्होंने पूरा टॉपिक ही लिखने को बोल दिया हालांकि पांच नंबर का क्वेश्चन है पांच नंबर का एक क्वेश्चन है ठीक है ठीक है तो उन्होंने एक कलम लिख दिया एक कलम लिख दिया वन बाय सी 1. 10 तु किया वन बाई सी माइनस नाइनटीन कलम भी दस बजे बार उन्नीस को ऊपर भेजो वन पॉइंट सिक्स आगे यहाँ पर हम जैसे कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे हम बहुत बढ़िया तरीके से आगे चलते हैं हम पहुँचते हैं अपने सत्ताईसवें परसेंट पर यहाँ पर हमने पूछा हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और इसको पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड आर की फॉर्म में हम पहले देख चुके हैं इस चीज़ें इलेक्ट्रिक पावर क्या है इस चीज़ें हम चीज़ें देख चुके हैं पहले पहले बताता हूँ इस चीज़ें हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर इट इज़ द मतलब इसी सेशन में हम देख चुके हैं इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई एनी एनर्जी सोर्सेज और द रेट एट विच दट इलेक्ट्रिक एनर्जीड और कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक इज खाल इलेक्ट्रिक पावर मतलब मतलब क्या बोला कि वर्क डनक कितना कितना टाइम में हम वर्क डन कर रहे हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इजीवल टू पावर बोल देंगे मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी डिसिपेटेड हुई कितनी खत्म हुई कितनी खत्म हुई उस चीज को हम बोलेंगे अपॉन टाइम वी आई जिसको हम बोलेंगे वी आई वी आई आई को क्या बोलते हैं ठीक है वी आई तो स्क्वायर अपॉन पावर हो जाएगा याद रखेंगे फॉर्मूला याद हो जाएगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ वन किलो वोट इज ऑपरेटेड ये दिस तो क्वेश्चन करो ठीक है इलेक्ट्रिक आयरन वन किलो वोट किलो वोट जान लिख दो तो हजार याद रखना ठीक है 220 वोल्ट पे फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेज दैट रेस्पेक्टली रेटेड एट वन एम्पेयर थ्री एम्पेयर फाइबर कैन बी यूज़ इन इट देखते हैं ठीक है पूरे लगा के देख लो ठीक है एक किलो वोट हजार करो दो सौ है तो अगर मैं करूँगा तो कौन सा वाला मैं यूज कर सकता हूँ ठीक है ठीक है कौन सा यूज कर सकता हूँ निकाल के देखो एक हज़ार को दो सौ बीस से डिवाइड करो ठीक है करंट में जब यूज करूँगा पावर बाई वोल्ट करूँगा तो चार पॉइंट फाइव और साढ़े चार के अलग बार है साढ़े चार सबके पास किसके पास है पाँच के पास पाँच के पास सबसे पास है तो पाँच

इलेवन का क्या हुआ टू एट वन और सत्रह क्या हो जाएगा टू एट दस दस और सात सत्रह टू एट सेवन हो जाएगा ये हो गया फिर उन्होंने क्या बोला किसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी यार जिसके लास्ट वाले जो वैलेंस है ना वो जिन चीज सेम होगी ना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका सेम होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी सेम होती है देखते हैं किस किस का एक्स और जेड का है पीछे भी इसके पीछे भी साथ है उसके पीछे भी साथ है इसकी अलग होगी तो देखो किसकी एक्स एंड जेड विल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पहुंच चुके हैं सेकंड लास्ट प्रश्न पे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ द सेक्स ऑफ न्यू बोर्न इज जेनेटिकली डिटरमा इन ह्यूमन बींगस विच ऑफ द टू पेरेंट्स मदर और फादर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स

सेक्स क्रमोजोम मेल का क्या होता है एक्स वाई होता है और फीमेल का क्या होता है ये सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं उनके पास ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं तो जिसमें ट्वेंटी टू ऑटोसोम्स होते हैं मतलब सबके सेम होते हैं मेल और फीमेल के बाद ट्वेंटी थ्री डिफरेंट होता है ट्वेंटी थ्री डिफरेंट होता है ट्वेंटी थ्री डिफरेंट होता है एक्स वाई होता, होता, होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है तो मेल की गलती है कि वो कौन सा Uh, कौन सा वो मेल की तरफ से हो रहा है अगर ये आ, अगर मैं फादर की बात करूँ अगर एक्स देखो फीमेल का तो एक्स ही है फीमेल का तो एक्स एक्सेक्स ही है तो एक्स अगर एक्स से होगा तो तो फीमेल हो जाएगी और वाई और एक्स से होगा तो वो मेल हो जाएगा नहीं नहीं तो सीधा सा बताओ कौन रेस्पॉन्सिबल है कौन रेस्पॉन्सिबल है कौन रेस्पॉन्सिबल है? है इस चीज़ के लिए सबको पता है फादर इज रेस्पॉन्सिबल क्योंकि मे फीमेल के पास तो एक्स एस दोनों सेम है फादर के पास एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं तो डिपेंड करेगा फादर की तरफ से कौन सा स्पम आ रहा है एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है दैट्स हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम प्रश्न पे दो घंटे और अठारह मिनट के बाद हम अपने अंतिम प्रश्न पहुंचे हैं दो घंटे अठारह मिनट के बाद मेरा गला बैठ चुका है और दो घंटे अठारह मिनट के बाद हम अपने अपने अंतिम प्रश्न पहुंच गए हैं और आप देख सकते हो जिस उत्साह एनर्जी के साथ मैंने दो घंटे अठारह मिनट पहले शुरू किया था वही एनर्जी उत्साह दो घंटे अठारह मिनट भी मेरे पास है तो यही उत्साह एनर्जी आपके पास रहनी चाहिए गला बैठ गया मैंने आज लंच ढंग से नहीं किया फिर भी पढ़ रहे हैं हम इतने प्यार तरीके से इतने बढ़िया तरीके से तो तो मैं बोलूंगा इतना उत्साह इतना जज्बा मुझे आपको पढ़ाने में उतना आपको पढ़ने में भी होना चाहिए तो अपने अंतर में प्रश्न पूछ रहे हैं दो नंबर का प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है वॉट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हमें पता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन हमें अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है पता है हमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है याद रखना एंजाइम सिंह के याद रखना एंजाइम क्या करता है स्पीड अप करता है डाइजेशन को सब चीजें हमने पढ़ ली है सब चीज़ें साठ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं एक बात याद रखना कोई बिग कंसेप्ट नहीं है रे बाबा कोई की बिग कंसेप्ट नहीं है ये बात याद रखना कोई बिग कंसेप्ट नहीं है रे बाबा ये बात याद रखना कैसे याद रखेंगे मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ बिग कंसेप्ट का मतलब कि तुम साइंटिस्ट नहीं हो बाबा तुम साइंटिस्ट नहीं हो तुम साइंटिस्ट नहीं हो तुम टेंथ वाले बच्चे हो तुम मैं साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो साठ क्वेश्चन में पूछा पढ़ाया है यही ऐसे ही तुम्हें इन्हीं में से तुम्हें क्वेश्चन पूछ जाएंगे देख लेंगे कल प्री बोर्ड है कितने क्वेश्चन मैच करते हैं एग्जैक्टली exactly तो मैच नहीं बोलूंगा बट इनसे रिलेटेड हर चीज मैच करेगी यार मेन मेन क्वेश्चन हालांकि मैग्नेटिक वाले से हूं आंख वाले से नहीं निकाल पाए क्वेश्चन सॉरी उसके लिए इसके बाद बोर्ड तक हम पांच वीडियो बना देंगे और पांच वीडियो मतलब दस घंटे अगर आप पूरे बचे हुए तीन चार महीनों में अगर दे देते हो तो आई एम प्रिटी श्योर प्रिटी श्योर आप बहुत कुछ कर डालोगे बहुत कुछ कर डालोगे तो थैंक यू एक बात ये चीज़ याद रखना सबसे पहले आप सोचोगे आई वॉन्ट डू इट ठीक है आप कौन सी इस सेशन के बाद मुझे बता के जाओ नौ जने यहाँ पर अभी शुरू में सत्ताईस जन थे अभी नौ जने रुके हुए तो मुझे बता के जाओ यहाँ पर कौन से स्टेज पे हो आई वॉन्ट डू इट मैं कर ही नहीं सकता हूँ मैं कर सकता हूँ मुझे करना है या फिर इस हाउ मैं कैसे करूं मैं करूंगा कोशिश मैं कर सकता हूं आई विल डू मैं करूंगा और मैं कर जाऊंगा मैंने कर दिया है आप इस सेशन के बाद इस सेशन के बाद आप कहां पहुंचे हो मुझे बता के जाओ देखो मैंने जिस उत्साह से शुरू किया था उसी उत्साह से खत्म कर रहा हूं देखो उसी उत्साह से खत्म कर रहा हूं तो मुझे बता के जाना आप कहां पहुंचे आई वॉन्ट पे आई कैन पे आई वॉन्ट पे हाउ डू हाउ डू पे आई विल ट्राई पे आई कैन पे आई विल पे या फिर एस आई डिड इट किस पे पूछे हो प्लीज़ बता के जाना प्लीज़ बता के जाना प्री बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट आपको और थैंक यू मुझे पेपर जरूर कल जरूर भेजना ठीक है थैंक्स टू कुछ भी क्वेश्चन तो हो तो मेल कर मेल की जरूरत नहीं है व्हाट्सएप सबके पास मेरा सेवन एट सेवन 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 वन नाइन फोर डबल सेवन पर व्हाट्सअप करना और मज़ा ला देना ठीक है तो दो घंटे अठारह मिनट सॉरी दो घंटे और बाईस मिनट लगभग ढाई घंटे की ये क्लास खत्म हुई और मैं बताता हूँ तुम्हें कितनी मेहनत हमने करनी है कितनी मेहनत हम कर चुके हैं कितना कुछ हमने किया है आज ठीक है साठ क्वेश्चन बनाने में थैंक्स टू तो पेरेंट्स जी जिन्होंने मुझे हेल्प किए काम कराने के लिए और दो घंटे अठारह मिनट दो ढाई घंटे की इस क्लास के लिए कितनी पहले हेल्प हमने की कितने क्वेश्चन एक तरह से कलेक्ट किए फिर भी कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफी चाहते हैं और आप लास्ट तक बने रहे थैंक यू फिर से अगर मैं अभी इस थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप जैसे रिफ्रेश करोगे ठीक है तो इसको जो आपके दोस्त नहीं आ पाए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो यह सब तो उनको बता देना उनकी हेल्प हो जाएगी देखो और तो कोई दिक्कत नहीं है सो हम गूगल मीट पर ले सकते थे इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रॉब्लम थी कुछ कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए हम गूगल मीट पर इसको नहीं ले पाए इसे ब्रेक वगैरह नहीं दे पा रहे थे इस पर यूट्यूब पर ले पाए ताकि अपलोड भी हो जाएगा अगर आप बोर्ड के एक दिन पहले देखोगे तो ये वीडियो यहीं पे रहेगी ये वीडियो यहीं पे रहेगी तो धन्यवाद थैंक यू सबका बाय बाय लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन अभी लिंक आपको मिल जाएगी बाय बाय टाटा बाय 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 थैंक यू रे बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय 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 थैंक यू बाय